कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानित्वं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानु सहगन ललिता श्री विशाखानित्वंश्च। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितिनामिने। नमस्ते सारस्वती देव शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से और सभी गुरु आचार्य वैष्णव लोग की कृपा से हम लोग वही परंपरा की जो शिक्षा है कुछ सुनेंगे, श्रवण करेंगे, जो हमारा भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं आभारी हूँ आप, विशेष रूप से मंदिर वृंदावन मंदिर स्थान वृंदावन मंदिर के जो मैनेजमेंट है, भक्त लोग मुझे बुलाए हैं। तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, दक्ष नहीं हूँ हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि मैं तो उड़िया में बोलता हूँ ज़्यादा। और दूसरा एक है कि बोलने का जो तरीका होता है ना, आजकल जैसे भक्त लोग होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो एजुकेटेड है, और समाज में कैसा कैसा बोलना चाहिए, सामाजिक लोग जैसे हैं, जनरल पब्लिक को क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, उन लोग को पता है। हम लोग पुराना जमाने की आदत है हम लोग का, थोड़ा थोड़ा कभी डायरेक्ट प्रीचिंग हो जाता है थोड़ा थोड़ा नहीं मैक्सिमम हो जाता है। तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, इधर जो बैठे हैं ना थोड़ा बातचीत नहीं करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए बैठे हैं। और तो हमको जब टॉपिक में क्या टॉपिक लूंगा, तो बार बार प्रभु जी धर्मात्मा प्रभु जी बोल रहे थे कौन सा टॉपिक लेंगे, मैं कौन सा टॉपिक लेंगे, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि कुछ बोल सकता हूं। जो स्वाभाविक रूप से आचार्य गुरुवर्ग कुछ स्मरण कर देते हैं करा देते हैं तो हम इसी हिसाब से चलते हैं। तो भक्ति जो चीज होता है ना, मैंने मन में बोला ठीक है मैं थोड़ा भक्ति का ऊपर कुछ बोलूंगा। तो अभी जब वृंदावन आ गया तो मैंने सोचने लगा मैं तो भक्त नहीं हूं, भक्ति का संबंध में कैसे बोलूंगा जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं ना,
उन लोग को पता है भक्ति क्या है। हम ऐसे करते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले, हम चलते हैं, कितना दूर चल सकते हैं, और चल रहे हैं जो हमारा बल भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है। जैसे खुद कोई चल रहा है और किसका हाथ पकड़कर कोई चला रहा है, हम खुद नहीं चल रहे। भक्ति में जो भाव है ना, ये सब भाव है। भक्ति तो बहुत बड़ा प्रसंग है, जो संस्कृत आजकल बहुत भक्त लोग भी संस्कृत पढ़ते हैं उन लोग को पता है। मैं तो संस्कृत नहीं पढ़ा हूं, जो थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ टीकाएं इसे बोल देता हूँ। खुद ही चलना और किसका बल पर चलना, ये दोनों अलग चीज होता है। जैसे आचार्य लोग आए हैं हमारे हाथ पकड़कर हमको लेने के लिए, चलाने के लिए, भक्ति मार्ग पर चल रहे, हम लोग का बल नहीं है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर उनका एक संगीत में यही लिखे हैं, कर्म नहीं ज्ञान नहीं कृष्ण भक्ति नहीं। वो ऐसे एक आचार्य थे, उनको सेवंथ गोस्वामी बोला जाता था। हमारे षड़ गोस्वामी वृंदावन में थे, वो तो बंगाल में थे और उड़ीसा में थे। और उनका ड्यूटी है राधा माधव, उनका पूर्वज का जो विग्रह है अभी है श्याम सुंदर का पास, आप देख लीजिए बहुत सुंदर राधा माधव, उनके लाभ नाम पर वो लिखे जय राधा माधव कुंज बिहारी। जितना शास्त्र का सिद्धांत आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी भी संत से आप सुन रहे हैं ना, वो सब सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर के पास है और भजन में। इसलिए प्रभुपाद बार बार दोहरा रहे थे, अगर कोई सब शास्त्र पढ़ लिया है, सब सिद्धांत उनको पता है, अगर नहीं है ना, तो फिर सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर का भजन संगीत अगर उनको पता है ना, उनको सब कुछ पता हो जाएगा, इसमें सब सिद्धांत है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने यही लिखे हैं कि ठाकुर जी मेरा पास ना तो कर्म है ना तो ज्ञान है, दरवाजा जहां जहां है ना तो बंद कर देना चाहिए, उधर मैसेज भी चलता है, ना तो मेरा कर्म है ना तो मेरा ज्ञान है। हम ऐसे कोई पुण्यात्मा नहीं है, कर्म क्यों नहीं है, हम ऐसे पुण्यात्मा नहीं है। आप देख लीजिए हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम लोग का जो बैकग्राउंड, हम इंडियन है, हम कोई विदेशी आदमी नहीं है, तो हम भारतीय होकर हम लोग का पिछले देखो आदत कैसा है, जन्म कहाँ कैसे हुआ है, हमारा पिता माता कैसे हैं, और हम लोग कौन से कर्म कर रहे थे। तो कर्म की दृष्टि से हम इतना उन्नत नहीं है, कर्म का मतलब पुण्य हमारा नहीं है। जिसा तो अंतगतम पापम जननम पुण्य कर्मण, आचार्य लोग जैसे प्रभुपाद जी इतना दयालु है, देखो हमारा पुण्य नहीं है तो ज्ञान, बोले ज्ञान भी इतना नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कर्म नहीं और ज्ञान भी नहीं, ज्ञान इतना नहीं है, क्या ज्ञान है। प्रभुपाद जी को पता है हम लोग का ज्ञान नहीं है, इसलिए दो बात हमको बोल रहे हैं, शरीर और आत्मा। चांट हरे कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते थे, हरे कृष्ण भजन करो नाम करो, और सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए शरीर है, शरीर का पोषण करना, शरीर का चिंतन करना, शरीर का पीछे पीछे लगते हैं हम। देखो तिलक बनाते हैं शरीर में, तिलक मंदिर हम बोलते हैं ये मंदिर हो गया ना, तिलक द्वादश तिलक बनाते हैं, लेकिन शरीर चिंता नहीं जाता। क्या ज्ञान है हम लोग का, प्रभुपाद जी ने इसे करुणा की है कि हम लोग को इसका ऊपर बहुत जोर दिए हैं, बार बार बोल रहे थे बड़ी सोल बड़ी सोल, ऊंचाई की बात पर क्या चलेगा हम, क्या रस तत्व ब्रज तत्व किस, क्या ये शरीर हमको खा रहा है, शरीर का चिंता, जिम्मेदार लेना, बाल बच्चा का चिंता, अगर कोई साधु ही बन जाता ना फिर भी उनका भविष्य चिंता, वही शरीर खा लेता है सब कुछ। कर्म नहीं ज्ञान नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर बोले कृष्ण भक्ति नहीं। ठीक है, कर्म नहीं तो ज्ञान नहीं तो कोई नुकसान नहीं, तो भक्ति है हमारे पास, भक्ति भी नहीं। भक्ति जो स्वाभाविक होता है ना, भक्ति का मतलब क्या है, हम थोड़े थोड़े सुनेंगे, डेफिनेशन तो सुनेंगे बहुत, नारद भक्ति सूत्र में है कहां कहां सब है, इतना ज्ञान की चर्चा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा भक्ति में जी कर रहेंगे। जैसे श्रीधर स्वामी बोले हैं ना, तीन उकम्पा सुसुमित माणम, इस वर्ष पर बोले हैं ना, जैसे बेटा सिर्फ जी कर रहे ना, इनका योग्यता है, समझ रहे हैं ना आप। कोई लड़का है ना, उनके लिए सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वो जी कर रहेंगे तो पिताजी का प्रॉपर्टी का शेयर,
प्राप्त करेंगे कि नहीं। ऐसा नहीं कि जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है पिताजी का शेयर नहीं ले सकता है, गवर्नमेंट में ऐसे कानून है क्या? कुछ नहीं, उनको जी कर रहना है, ये भक्ति मार्ग में हमको जी कर रहना है, इसे कंटिन्यू हम कर सके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग इतना ही इनको फोकस देंगे, शास्त्र है, तत्व है, सिद्धांत है, लेकिन कौन सा सिद्धांत को लाकर हम जिएंगे इसका पर थोड़ा फोकस हम करेंगे। क्योंकि कलयुग में जो भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं ना, ना तो पुण्यवान आदमी हम हैं, ना तो वैराग्य है, ना तो ज्ञान है, और कृष्ण भक्ति भी नहीं हम लोग। तब तो अगर कोई ठाकुर जी को पूछेंगे, ठाकुर जी अगर हमको पूछेंगे, ठीक है तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम मेरा भजन कैसे करेंगे? तुम्हारा कुछ नहीं है, ना तो कर्म नहीं है, ना तो ज्ञान नहीं है, तो भक्ति नहीं है, तू भक्त कैसे बने हो? मैं भक्त से तो बन गया हूं भक्त की कृपा से, लेकिन मेरा एक भरोसा है। क्या भरोसा है? शास्त्र वेद वेदांत आपको बोलता है कि आपका कृपा जो है वो अहेतुकी है। हम वही अहेतुकी भक्ति का ऊपर चर्चा करेंगे, जो मर्सी पोटेंसी है। अंग्रेजी में प्रभुपाद कभी लिखे, देखो पहले जमाने में जब ट्रांसलेट करते थे, कोई भी बोल रहे थे, कहां भी जो प्रवचक लोग बोलते थे, तो जो क्लियर जो आइडिया है ना, मिसकंसेप्शन रहता था, भक्ति क्या है, जैसे माया क्या है, ज्ञान क्या है, ये जो डेफिनेशन क्लियर नहीं था, वो संस्कृत में था, बोलने वाले भी दूसरे दूसरे तर्क में बोलते थे, लेकिन प्रभुपाद ने सब क्लियर लिखे हैं। मर्सी क्या है, प्रभुपाद कभी मर्सी नहीं लिखे, हर समय जब मर्सी पोटेंसी लिखा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख लीजिए मर्सी पोटेंसी, एक पोटेंट कृपा शक्ति है। माया क्या है, मेटेरियल एनर्जी, प्रभुपाद हर समय ट्रांसलेट करते हैं, आप देख लीजिए भागवत में देख लीजिए, एक एनर्जी है, माया शक्ति है। तो हम जो तटस्थ जीव है, हम भक्ति करने का हमारा अधिकार है, लेकिन काम हमारा शरीर में जो काम करता है, इंद्रियों में, बुद्धि में, मन में, अहंकार में, कौन सा शक्ति कार्य करता है ज्यादा? माया शक्ति, त्रिगुण का शक्ति, वही हमको चला रहे हैं। जब हम माया हमको चला रहे हैं, माया का अधीन में है, हम लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं? एक चैलेंज हो जाता है ना हमारे लिए। शरीर लगता है ठाकुर जी काम से, मन लगता है माया, देखो कितना हमारा हालत खराब। मैं तो कभी कभी यही बोलता हूं कि हम, क्योंकि हम लोग पुजारी थे, नए डिवोटी थे, तो पुजारी थे, हम लोग को पता है, देखो ठाकुर जी को पकड़े हैं हम, भगवान है, लेकिन मन कहां जाता है? मन चला जाता है, ये काम खत्म करूंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, मंदिर का भीतर है, देखो मन कहां चला जाता है, कि माया शक्ति का प्रभाव है, माया हमको चला रहा है। अनादिकाल से जो कृष्ण को विस्मरण होने का बाद जो शक्ति हमको पकड़ा है, उनका उनकी जो क्या बोले शक्ति है ना, दुरुत्तया, ठाकुर जी ने बोले मम माया दुरुत्तया, दुरुत्तया का मतलब यही है, हमको पता है ये माया है लेकिन निकल नहीं सकते। तो भक्ति कैसे करेंगे जो माया हमको पकड़ेंगे, कैसे भक्ति कर सकते हैं हम लोग? तब तो ठाकुर जी बोले ठीक है, माया मेतम मामी विजय प्रपद्यंते माया मेतम तरंती, देखो माया हमको पकड़े हैं तो हम शरणागत कैसे होंगे? देखो हम तो पढ़ाई कर लेते हैं वर्ष को, हम किसका अधीन में हैं, फिर दूसरा जिसका अधीन में है वो छोड़ेगा तो किसका अधीन में जाएगा? समझ रहे हैं ना आप, मैं आपका अधीन में हूं, तो अधीन में हूं इसका मतलब मेरा स्वतंत्रता कुछ नहीं है, तो मैं आपका अधीन में हूं, अभी प्रभु का अधीन में कैसे जाऊंगा? आप छोड़ गए तो जाऊंगा, मैं जब जाऊंगा वो तो खींचकर ले आएगा, आप तो खींचकर ले आएंगे कि मैं आपका अधीन में हूं, तो हम नहीं जा सकते, हमको कोई छुड़ाने वाले होगा, अगर कोई छुड़ा देंगे माया से, छुड़ा कर ला कर दे देंगे, तुम जाओ इधर, हो गया कि नहीं? मान लो आप मुझे पकड़े हैं, आप पकड़े हैं, हम नहीं पकड़े हैं, तो आप बलवान हैं, माया हमसे बलवान है, हमको पकड़े हैं ना, और भगवान ही बोल रहे हैं माया मेरा शक्ति है, वो मेरी शक्ति है, मम माया, मम माया ठाकुर जी बोले हैं। तो हम तो जीव है, तो कोई ऐसे शक्ति पोटेंसी मर्सी पोटेंसी चाहिए, साधु गुरु की कृपा चाहिए, जो हमको छुड़ा कर लाकर
कृष्ण के चरण कमल में छोड़ देंगे, जाओ तुम, ये तुम्हारा रास्ता। आपको पता है ना, जब लोग मारपीट लगते हैं, आपस में झगड़ा लगते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि बलवान आदमी होते हैं ना, उसको उनको छुड़ा कर लाते हैं और बोलते जाओ तुम रास्ता पर चले जाओ। माया से ऐसे हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बहुत परेशानी में हम लोग है, कोई ऐसे आदमी हमको चाहिए जो बलवान है। किससे बलवान है? माया से भी बलवान। हमारा जो गुरु आचार्य के ऊपर जो दृष्टि है, यही दृष्टि है। भगवान बोल देगी मम माया दुरत्वया, हमारा आचार्य परंपरा गुरुवर्ग का ऊपर हमारा यही दृष्टि, हमको छुड़ा सकते हैं वो माया से भी बलवान, वो माया से छुड़ाकर हमको लाकर कृष्ण चरण में छोड़, अभी चलने का काम हमारा है, कम से कम छुड़ा देंगे। और चलने के लिए भी, भक्ति पथ पर चलने के लिए भी बल, बुद्धि, ज्ञान, जैसे हमारे गुरु जी थे वो कहा करते थे, गुरु आचार्य लोग ऐसे भक्ति नहीं करते हैं, समझ रहे ना आप, उनका जो स्वाभाविक भक्ति है वो इधर प्रकट नहीं करते हैं, इधर जब आ जाते हैं ना, हमारा हाथ पकड़कर जैसे हम चल सकते हैं वो ऐसे हमको भक्ति सिखाते हैं। जैसे कोई टीचर है, उनका फुल जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो प्रेजेंट नहीं स्टूडेंट से करता है, पहले स्टूडेंट का क्या क्वालिफिकेशन है उसको जज करता है कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य लोग ऐसे, जो भक्ति है, भक्ति का जो वो एनर्जी है, एक मटसी पोटेंसी, तो एनर्जी लाने के लिए कोई भी एनर्जी, हम कोई एनर्जी का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक एनर्जी है, क्या इलेक्ट्रिसिटी इधर से कहां जाने के लिए क्या जरूरत है, कोई मीडिया जरूरत है कि नहीं, क्या बोलते आप, कोयल ना, हाँ, तार की जरूरत, वायर की जरूरत होता है कि नहीं, वायर की जरूरत है, बिना वो नहीं जा सकते। कोई भी एनर्जी ना, एनर्जी का यही होता है, जैसे आप ये मोबाइल जो यूज करते हैं वो एक एनर्जी है कि नहीं, वो वेब वेब से आता है ना, वेब तो इसको पकड़ने के लिए आपके पास कोई यंत्र है। तो भक्ति शक्ति जो होता है, भक्ति एक शक्ति, वो डिसेंड करते हैं, वायर जैसे वायर में आप लेते हैं करंट इधर से उधर लेते हैं, तो ऐसे भक्ति डिसेंड होते हैं। डिसेंड का मतलब क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, वो अवतरित होते हैं, जैसे कृष्ण अपीयर होते हैं, ऐसे वो अवतरित होते हैं परंपरा के माध्यम से। मैं थोड़ा रेफरेंस दे दूंगा, आप देख लेना है तो वर्ष का रेफरेंस मैं दे सकता हूं, आपको पढ़ना है, और थोड़ा थोड़ा कभी मैं बोल देता हूं क्योंकि प्रसंग इधर उधर हो सकता है। तो क्या ये परंपरा, कभी कभी संत लोग, बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े संत लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, जो पारंपरिक आचार्य लोग है वो कभी नहीं बोलते हैं, परंपरा को कभी खंडन नहीं करते। हमको सुनना है, हमको भक्ति करना है, किसे भी भक्ति करना है, ऐसे नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। परंपरा का कोई कानून को हम तोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि नूतन परंपरा हो जाती, समझ रहे ना। मान लो हम इसका, मैं अभी इसकन में हूं, मैं एक सन्यासी, मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, मैं प्रभुपाद जी का जो परंपरा है उसको मैं बोलूंगा ये ठीक नहीं है, दोष ये इसमें दोष है, इसमें दोष है, उसको बोलूंगा, तो जब दोष दिखाई देंगे तो मैं एक परंपरा तैयार करेगी नहीं, कि मुझे जो फॉलो करेगा वो क्या करेगा। बोलते हैं परंपरा का जरूरत नहीं है, जब परंपरा को टाल देते हैं वो एक परंपरा हो जाता है। कितना सूक्ष्म चीज देख लीजिए, परंपरा का बिना कभी टिकता नहीं है। देखो मटेरियल फील्ड में जो पॉलिटिकल, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका परंपरा है, उनका लीडर है, वो आदर्श मानकर चलते हैं। तो भक्ति का जो परंपरा है, जो भक्ति शक्ति है, वो डिसेंट परंपरा में करते हैं। इसका प्रमाण कहां है? भागवत से प्रमाण लाना पड़ेगा। गर्भ स्तुति में जाइए, दसम स्कंद 10th कैंटो, सेकंड चैप्टर 31 वर्स, दसम स्कंद द्वितीय अध्याय 31 वर्ष में देख लीजिए, इसमें कमेंट्री में क्या लिखे और प्रभुपाद जी क्या लिखे। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सिद्धर्शन के कमेंट्री लाए। स्वयं समुत्तीर्ज्य सुदुस्तर अद्युमन भवर्णव भीम मद अब्र सहृदम भवत् पदाम्ब रुहनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवन। इसका पिछले वाला भर से है, ठाकुर जी आप आते हैं
जीव को उद्धार करने के लिए। और आपका चरण कमल जो है ये नाभ है, हिंदी में नाभ बोलते हैं, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, नौका संस्कृत में नाभ, नाभ बोलते हैं हिंदी में नाभ। अब छोड़कर आपका चरण कमल नाभ, अब इधर छोड़कर चले जाते हैं तो कोई प्रश्न करेगा ना, देवता लोग ही बोल रहे हैं तो भगवान अभी कृष्ण का नाभ कौन है? कृष्ण का चरण कमल क्या हुआ? नाभ हो गया, अभी नाभ कहां है? ये भवसागर में तरने के लिए, कोई सागर को तरने के लिए क्या जरूरत होता है? बोट की जरूरत है, नाभ की जरूरत है। तो देवता लोग बोल रहे प्रभु जी आप आए हैं इधर, अब जीव तो उद्धार करते हैं, और जब जाते हैं ना नाभ को छोड़कर जाते हैं, वो नाभ क्या है? आपका चरण कमल, ये चरण कमल रूपी नाभ का आप छोड़कर जाते हैं। तो कोई प्रश्न करेगा तो अभी तो भगवान नहीं है, कहां नाभ? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस संप्रदाय का ऊपर लोग अंगूठियां उठाते हैं, आजकल बहुत पढ़ाई आदमी हो गए इधर उधर पढ़ते हैं। अरे भाई कोई संप्रदाय में है ना, उसमें सांप्रदायिक आचार्य है, सिद्धांत है, शुद्ध भक्त है, इधर उधर बोलने का कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सरल चीज होता है, बहुत सरल चीज होता है। इस संप्रदाय में ये एक श्लोक, इसका पहले वाले श्लोक आप देख लीजिए, तत्पाद पोतम सामीप्य मात्र भवाम्बुदो वश्च पद चित मात्र जात अपि सत निरपेक्षम स्वयमेव अन्येषां भीम दुस्तरम भवार्णवम स्वयं उत्तिज्य भवेत्। आप तो इस संप्रदाय रूपी नाभ को छोड़कर चले जाते हैं, इस संप्रदाय में जो आचार्य लोग आते हैं इतना महान होते हैं, भवसागर तरने के लिए नाभ छोड़ देते हैं, लेकिन वो जब आते हैं तरने के लिए भवसागर को, भवसागर कैसे हो जाते हैं? वश्चपद हो जाते हैं, बछड़े, बछड़े बोलते हैं ना, बछड़े का पांव का जल जितना है, तो इसमें नाभ का क्या जरूरत है? तो ये भवसागर में नाभ, नाभ जाता है तो इधर से जाएगा गोलोक वृंदावन, मान लो ये भवसागर है, इधर से वैकुंठ जाएगा ना। जब कोई तरने के लिए, कोई भवसागर को तरने के लिए आता है, उतरने के लिए आता है ना, तो भवसागर क्या हो जाता है? वश्चपद हो जाता है। तो नाभ का कोई जरूरत नहीं होता है, और नाभ इस दिशा में रह जाता है, नाभ उस दिशा में जाएगा तो फिर कोई लाएगा ना, इस जगत में ही नाभ रह जाता है। तो इसमें सिद्धार्थ स्वामी लिखे, आप देख लीजिए प्रभुपाद जी परफुट में क्या लिखे, लास्ट एंड में प्रभुपाद जी लिखे, पदाम्बु नाभ अत्रिव निधाय भक्ति मार्ग संप्रदाय प्रवर्तन इत्यर्थ। संप्रदाय के जो सिद्धांत है ना, वो आचार्य लोग प्रतिष्ठित किए हैं, ये हमारा मनमाफी बात नहीं है। भक्ति मार्ग एक संप्रदाय, इस संप्रदाय में हम पहले सुन रहे थे ना, जो शक्ति है भक्ति मार्ग संप्रदाय कौन प्रवर्तन कर रहे हैं? भगवान नहीं। दूसरे कभी 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 कोई कमेंट्स देते हैं, मैं भक्त लोग मुझे बोलते हैं कि देखो ये बाबा ऐसे बोले हैं, इस्कॉन के बावजूद में ऐसे बोले हैं, वो बाबा ऐसे बोले हैं। देखो आपका कौन सा संप्रदाय है, आप संप्रदाय में यही है वही है, बोल देते हैं कि नहीं देखो हमारे संप्रदाय में, तुम्हारे संप्रदाय में शुद्ध भक्त हैं, हमारे संप्रदाय इतना बड़ा है कि भगवान को भक्त बनना पड़ा, हमारे संप्रदाय में इतना बल है कि भगवान भक्त बन गए, तो किसका संप्रदाय बड़ा है? हमको बड़ा छोटा से क्या मतलब है, भगवान को इधर भक्त बनना पड़ा, रोना पड़ा, भक्त जैसे रोते हैं ऐसे भगवान को रोना पड़ा। क्या हमको संप्रदाय का प्रमाण जरूरत है? तुम शास्त्र देखो, हमको शास्त्र नहीं देखना, हमको शास्त्र नहीं, हमको प्रमाण देखना है, समझ रहे ना, प्लेन परिचय थे। तो हमारा संप्रदाय यही है, महाप्रभु है तो है, तो ब्रज धाम ये है ब्रज, भगवान को क्या बनना पड़ा? भक्त बनना पड़ा। इधर तो भगवान है, द्वारका मथुरा में भगवान थे, अभी भक्त बनना पड़ा, यही हमारा संप्रदाय। इस संप्रदाय में जो आचार्य लोग आ रहे हैं वो लोग भक्ति वृत्ति, भक्ति का टर्म लगता है संस्कृत में, भक्ति वृत्ति, हमारा क्या है? माया वृत्ति, वृत्ति का क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जॉब, जॉब ऑक्यूपेशन बोलते हैं ना इसे, हम लोग का ऑक्यूपेशन है माया, कुछ भी करो इसमें माया रहता है,
खुद का सुख रहता है, खुद का सुख चिंता रहता है, भगवान से संबंध इतना नहीं है हम लोग का, माया वृत्ति है इसको बोलते हैं, क्योंकि अनादिकाल से बिछुड़ गए भगवान से, हम आत्मा इतना ज्ञान नहीं है, भगवान क्या है, जबकि सब शरीर चला रहे हैं भगवान, माया वृत्ति है। पर आचार्य लोग क्या करते हैं, जो भक्ति वृत्ति को लाते हैं जीव को देने के लिए परंपरा माध्यम से, वो भक्ति है। भक्ति क्या है, शक्ति है। तो ये परंपरा माध्यम जो आते हैं, हम जो मंत्र, जैसे मंत्र ग्रहण कर रहे हैं, जैसे मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, वो कैसे आए, कैसे गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक गोलोक में राधारानी और जितना सखी लोग है ना, वो भी महामंत्र करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही इतना अंतर है गोलोक वृंदावन में, जैसे प्रभुपाद जी अडप्ट किया ना जो सिस्टम, जैसे आए प्रसाद लेना, जो जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ना, जो जो सेवा है ना गोलोक में, ऐसा है प्रभुपाद बोल रहे हैं, इधर सिर्फ अनराइपन उधर राइपन, यही काम करना है, सेवा करना है, कीर्तन करना है, भगवान के लिए सजाना है। इधर तो मंदिर है सब कुछ है, उधर तो पर्सनल सब कुछ करना है, सखी है सखा है, गोलक वृंदावन में पर्सनल यू हैव टू सर्व, ये गोलक है, यही सेवा है। हमारा तो अंतर माया, माया वृत्ति अंतर में माया का वृत्ति है ना, इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो भक्ति वृत्ति है जो, वो परंपरा आचार्य के माध्यम से डिसेंड होता है, परंपरा। जैसे हम मंत्र, मंत्र कैसा है, चैतन्य महाप्रभु ने, वो कौन है चैतन्य महाप्रभु, कौन है, स्वयं कृष्ण, कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान, कृष्णस्तु, हम भगवान नहीं बोलते हैं, हम स्वयं भगवान बोलते हैं, स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है, लेकिन स्वयं भगवान ने भक्त बने और राधा राधा रानी की भाव ली, उन्होंने मंत्र गान की, श्री चैतन्य मुखादगिर्न हरे कृष्ण ति वर्ण का, जो मंत्र में, मंत्र जो परंपरा आचार्य लोग जो मंत्र देते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, कोई भी मंत्र है, मंत्र तो मार्केट में मिलता है, मंत्र मार्केट में नहीं मिलता है, बुक्स में मंत्र मिलता है। तो आप बोलेंगे मैं हरे कृष्ण महामंत्र करूंगा तो कोई फल मिलेगा ना, कोई मंत्र, जैसे बाहर के लोग, उनको तो ना परंपरा पता है ना कुछ भी पता नहीं, वो भी हरे कृष्ण करते हैं, तो उनको कौन सा फल मिलेगा। मायावादी लोग क्या मंत्र नहीं करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र मायावादी लोग नहीं करते हैं, वो भी माला में जप करते हैं, उनको कौन सा फल मिलेगा, क्या आप सोच रहे हैं, उनको भक्ति मिलेगा, नहीं भक्ति नहीं मिलेगी, पुण्य मिलेगा उनको, पुण्य मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भक्ति उद्देश्य में नहीं कर रहे हैं ना, फिर भक्त को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, परंपरा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कभी भी परंपरा आचार्यों को स्वीकार नहीं करने से कभी भक्ति नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, ये डिसेंड ऐसा ही परंपरा आचार्य लोग, अदरवाइज प्रभुपद क्यों बार बार बोल रहे हैं, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर विद सीक्रेट ऑफ सक्सेस, उसको बार बार बोल रहे हैं। देखो हम लोग मानते हैं, मानन करके करके जीते हैं, हमको रिजल्ट क्या पता नहीं है, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा पहले मानन करना पड़ता है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है ना, मानन नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर कोई बच्चा छोटा बच्चा है, वो पहले सोचेगा पिताजी मैं एबीसीडी क्यों क्यों लिखूंगा पहले, तो उनको पिताजी क्या समझाएंगे, वो पहला क्वेश्चन करेगा, जब उनको पिताजी बोलेंगे तुम ए लिखो बी लिखो, वो बोलेगा क्यों मैं लिखूंगा, उनको क्या समझा सकते हैं आप, कुछ समझा सकते हैं आप उनको, कुछ भी नहीं। नहीं, उनको पहले फॉलो करना है, ए बी सी डी लिखना है, जब वो प्रोनाउंस करेगा डॉग ट्री, तब ओ मैं ए बी सी डी सीखा था ना अभी, डॉग का डी ओ जी, पहले उनको मनन करना पड़ता। भक्ति ऐसा है, क्योंकि आचार्य में जो परंपरा है ना, वो सिद्ध परंपरा है, हमको मानन करते करते चलना है, और जितना शुद्ध होते हैं उतना रिवील होते हैं। अभी जैसे सोलह माला जप कर रहे हैं, मंगला आरती आ रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं,
उसका क्या फल है? हम तो इमीडिएटली लाला आगे उसका साथ मत खेलो, आगे नहीं आगे नहीं। क्या मैं बोल रहा था, रिजल्ट ओरिएंटेड। ये कलयुग में ज्यादा, ये जनरेशन, हमारा जो जनरेशन है ये ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड है। थोड़ा कुछ कर लेते उसका फल क्या? अरे फल के पीछे भागने से होता नहीं है। ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है। जो भक्ति है ना, ये स्वाभाविक एक शक्ति है, समझ रहे हैं ना? शक्ति को क्या जबरदस्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक, इधर आप कनेक्शन रहने से भी फिर ट्रांसफार्मर है कि नहीं, कहां आता है ये देखो, ये इसको क्या करते हैं, उनको प्रकाश, उनको प्रकाश संस्कृत में प्रकाश बोलते हैं ना, वो मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन उनका सोर्स कहां है? सोर्स अलग जगह में है, ट्रांसफार्मर में है ना, फिर ट्रांसफार्मर कनेक्ट कहां हुआ है? देखो बड़ा बड़ा सबस्टेशन बैठता है, क्या क्या बोलते हैं हम, मुझे पता नहीं, बहुत बड़े बड़े लगते हैं, फिर वो कहां जाता है? वाटर सोर्स पर जाता है। हम जब बिजली चलाते हैं हमको पता नहीं, हम तो कभी नहीं सोचते वाटर सोर्स की बात, हम सिर्फ प्रकाश लगा देते हैं, कोई क्या बोले, फैन लगा देते हैं, लाइट लगा देते हैं, तो हम सोचते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी है। उनका ओरिजिनल सोर्स कहां है, कैसा है, वो कनेक्शन है ना। तो ऐसा ही है, तो भक्ति जो है, भक्ति जो प्रकाशित होने के लिए एक तत्व चाहिए, एक मीडिया चाहिए, समझ रहे हैं ना। शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके माध्यम से भक्ति प्रकाशित होते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों क्या बोलते हैं, प्रकाश विग्रह, प्रकाश विग्रह, भगवान उनके माध्यम से प्रकाश, नाम धाम जितना परफने ले जाए वो प्रकाश विग्रह के माध्यम से प्रकाशित होते हैं, समझ रहे हैं ना। तुलसी गांव में है कि नहीं, आपको गांव में जाइए तुलसी है, कोई तुलसी पूजा करते हैं हम जैसे पूजा करते हैं? पहले भारतवर्ष में महामंत्र थे कि नहीं, क्या प्रकाशित हुए थे? हम भारतीय लोग थे, महामंत्र कीर्तन करते थे नहीं, भगवत गीता नहीं था कि नहीं? अभी क्या हो रहा है, अभी वही गीता देखो लोग, क्या आईटी हाँ, आईटी वाले का बुद्धि काम नहीं करते, अभी गीता पकड़ते हैं। को इतना पढ़ाई करने के बाद वो बोलते हैं कुछ भी नहीं है इसमें, हमको गीता पढ़ना है। प्रकाश गीता पहले था लेकिन प्रभुपाद जी आ गए। शुद्ध भक्त भक्ति को प्रकाशित करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, प्रकाश विग्रह। जैसे इलेक्ट्रिक का सोर्स, जैसे भगवान भक्ति का सोर्स, ओरिजिनल सोर्स क्या है, लादिनी शक्ति का वृत्ति है भक्ति। तो बहुत बड़ा टॉपिक है भक्ति, मैं तो इतना नहीं बोल सकता हूं। भक्ति है लादिनी शक्ति का वृत्ति है। लादिनी शक्ति किसकी है, राधारणी शक्ति। और वो जो लादिनी शक्ति का वृत्ति क्या है, राधारणी के, राधारणी की वृत्ति क्या है, उनकी जब क्या है, महाप्रभु नहीं बोले हैं राधारणी की मूड क्या है, लास्ट में बोले अश्लेषवा पादरतम विनस्तुवा, अपना सत्ता कुछ नहीं है मेरा, मेरा सत्ता तो आपका सत्ता है, आप मुझे आलिंगन कीजिए, पांव में फैल दीजिए, कुछ भी कीजिए, मैं आप मेरा प्राणनाथ, सुख देना, कृष्ण को सुख देना, ये भक्ति का वृत्ति होता है। तो हम क्यों भक्ति करते हैं, कोई ऐसे हम बोल सकते हैं कृष्ण के सुख के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं, हम बोल सकते हैं? हाथ उठाए ना, कोई बोलेगा ना मैं कृष्ण के सुख के लिए करता हूं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों हम भक्ति कर रहे हैं, खुद को कुछ सुख मिलना चाहिए, सही बात है कि नहीं, बोलो। हमको अच्छा लग रहा है तो कर, जैसे चैंटिंग आज अच्छा लग रहा है कर लेते, नहीं लगता तो मशीन जैसे करके पकड़ दे, आज कीर्तन अच्छा लगता तो करते हैं, क्या कृष्ण सुख हम सोचते हैं क्या? देखो भक्ति की पद्धति पर हम लोग हैं, लेकिन वो शक्ति डिसेंड नहीं कर रहे हैं, वो प्रोसेस को पकड़े हैं हम लोग, वो शक्ति डिसेंड नहीं हो रहा है ना। आचार्य परंपरा में जो प्रकाश विग्रह के माध्यम से जो शक्ति आता है वो डिसेंड नहीं हो रहा है, इसलिए उनका जो मूल वृत्ति है, जो ओरिजिनल टेंडेंसी है, वो हमारे पास नहीं।
जैसे हम ठाकुर को किन भक्त लोग का घर में ठाकुर जी है, सबका बस है, जब श्रृंगार करते हैं तो क्या सोचते हैं, जब आप पगड़ी बनाते हैं तो क्या सोचते हैं, आपको जो सुंदर, ये भी भक्ति है, तो देख लीजिए अंतर क्या रहता है। आज क्या कुकिंग करना है, कोई कृष्ण को पूछता है कान्हा आज क्या भोजन करना है आपको, आज मुझे पनीर अच्छा लग रहा है, आज पनीर करना है, आज पिज्जा करना है, आज बस हमको जो अच्छा लगता है वैसे करते हैं, ठीक है। तो भक्ति का कौन सा अंग है हम बाद में सोचेंगे। देखो राधारानी के पास जो वृत्ति है, जो भक्ति का वृत्ति है, जो परंपरा के माध्यम से आए हैं, वो क्या है, भक्ति वृत्ति है। भक्ति वृत्ति क्या है, कृष्ण को सुख देना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य। हम आत्मा है, और आत्मा का क्या वृत्ति है, परमात्मा को, कृष्ण एक परमात्मा है, उनको सुख देना, और वो सुखी हो जाएंगे तो हम सुख से रहेंगे। तो इतना हम समझे हैं तो हम कितना साल से भक्त बने हैं, कितना चैंटिंग कर रहे हैं, तो इतना छोटा चीज देखो समझना कितना मुश्किल हो रहा है। कृष्ण सुखी हो जाएंगे तो हम सुख से रहेंगे। तो पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, कृष्ण को सुख देना है ना। क्या ये हम सोचते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो कथा बोलते हैं, जो कथा सुनते हैं, नहीं हमको अच्छा लगता है तो कथा सुन रहा है, आज कथा अच्छा नहीं लग रहा मैं नहीं सुनना, नहीं मैं कृष्ण का कथा सुनने से कृष्ण सुखी होंगे इसके लिए मैं सुन रहा, ये भावना नहीं, ये मूड नहीं है ना, ये भक्ति का जो ओरिजिनल मूड है, भक्ति वृत्ति है। तो ये आचार्य परंपरा से डिसेंड होता है। तो भक्ति का बहुत बड़ा टॉपिक्स है, मुझे तो इतना पता नहीं है, फिर भी जितना मुझे पता है मैं उतना ही बोलूंगा। तो आपको ये मानना पड़ेगा भक्ति एक पोटेंसी है, मर्सी पोटेंसी, समझ रहे हैं ना। तो भक्ति क्या हो गया, वृत्ति हो गया, पोटेंसी हो गया, भक्ति शक्ति है ना। तो अभी क्या करें, एक सवाल आता है, ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल, मैं बोलने के लिए कोशिश, मेरा इच्छा नहीं था फिर आ गया, मैं क्या करूं। तो भक्ति हमारा अंतर में है कि नहीं, देखो इसका ऊपर बहुत बड़े बड़े चर्चा है, भक्ति हमारा अंतर में है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद बार बार कहते हैं ना, हम एक कवरिंग को ऊपर उठाना है। तो भक्ति का वृत्ति हमारा है कि नहीं, तो बोलो हाँ? देखो इसका ऊपर दूसरा मत है, लेकिन हम कौन सा साइड में है, हम अंतरंग शक्ति में है या बहिरंग शक्ति में है, बहिरंग शक्ति में, हम बहिरंग शक्ति में है कि नहीं, लेकिन हम आत्मा है, आत्मा अंतरंग शक्ति का अंश है कि नहीं, लेकिन अभी आत्मा का कोई काम इधर, आत्मा शरीर इतना पकड़ लिया है, अध्यास हो गया, आत्मा भी भूल गया कि मैं भगवान के अंश, जैसे हम हो आप हो, हम भूल गए मैं भगवान का अंश हूं, किसकी पकड़ से, बहिरंगा वृत्ति की पकड़ से। तो पकड़ किसका अभी ज्यादा है, बहिरंगा शक्ति की पकड़ ज्यादा है, लेकिन हम आत्मा है तो हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है हमको, हम जब बहिरंगा शक्ति में है तो अभी क्या करना है हमको, कहां जाने से भक्ति होगा, अंतरंग शक्ति को जाना। जैसे दो उदाहरण लीजिए, आपका नाम पर कोर्ट केस लग गया है, कोर्ट केस लगना कौन सा शक्ति हो गया, बहिरंगा शक्ति हो गया। अभी जब कोर्ट केस लग जाता है, पुलिस पकड़ता है, कोर्ट में आप चले जाते हैं, अभी कोर्ट से निकलने के लिए कौन सा शक्ति जरूरत है, अरे अंतरंग शक्ति जरूरत है। देखो वही शक्ति है, वही गवर्नमेंट का दो है, प्रभुपाद ये प्रभुपाद का उदाहरण है, पुलिस पकड़ता है और पुलिस छुड़ा नहीं सकता है, आपका नाम पर पुलिस अगर कोई केस डाल देता है तो पुलिस का हाथ से चला गया आदमी, अभी वो कुछ नहीं कर सकता है, अभी किसका डिपार्टमेंट पर जाएगा, कोर्ट डिपार्टमेंट पर जाएगा, वो उनका अंतरंग शक्ति है। तो जब कोर्ट जाएंगे, क्या आप जज के सामने घुस जाएंगे, बोलेंगे मेरा कोई दोष नहीं है, हा?
आप अंतरंग बहिरंग शक्ति में थे ना, कोट केस लग गया है, अभी कहां जाना है? वकील का पास जाना, इंपोर्टेंट वकील है, लायर है। देखो ये भारतवर्ष में जो व्यवस्था है ना, ये भगवान की व्यवस्था से चल रहा है सब। लायर डिपार्टमेंट है, क्या क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, ये सब भगवान का डिपार्टमेंट है। भगवान जैसे पोर्टफोलियो बनाए ना, हमारे भारतवर्ष में सब चलता है। कोर्ट केस एक बार लग जाता है तो आप क्या करेंगे? आप चाहे कितना साधु आदमी हो, मेरे नाम पर मान लो केस आ गया, तो मैं बोल सकता हूं मैं साधु हूं, जज साहब मुझे छुड़ा दीजिए। अरे मैं साधु हूं ये मैं नहीं बोल सकता हूं, वकील बोलेगा कि तुम ये साधु आदमी हो। समझ रहे ना? मैं जितना बोलूं वो नहीं सुनेंगे। इसे हमारा माया शक्ति का वृत्ति हो गया ना, हमारा कोर्ट केस लग गया है। अभी हम जितना बोलेंगे, ठाकुर जी मेरा कोई दोष नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं सेवा करना के लिए, भगवान बोले इतना कोर्ट केस तुम्हारे नाम पर, सुनेंगे नहीं। अरे इसलिए ये अभी तो भक्त लोग का यही होता है प्रॉब्लम, हम लोग का इतना होता है कि मैं इतना चंटिंग कर रहा हूं, इतना साधन कर रहा हूं। भाई ठीक है तुम कर रहे हो, कितना तुम परफेक्ट हो, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए फाइटिंग कौन करेगा, वकील कौन है? ये तो बड़ा बात है ना। जब कोर्ट केस लग जाता है ना, आपके लिए कोई प्रेजेंट करने के लिए है ना, उनको पकड़ना है और वकील का सामने सब कुछ बोल देना है, भाई देखो ऐसे ऐसे मैं केस किया हूं, ऐसा कैसे ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हैंडल हुआ है, तो आप मुझे छुड़ाइए। तब वो लो कोर्ट देखता है, अल्लाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा हुआ है, बंबई में ऐसा हुआ है, तब उसको कैसे छुड़ाना है वो सोचता है। ये शक्ति दो शक्ति जैसा है ना, ऐसा हम लोग का है। हमको कौन पकड़ा है? बहिरंग शक्ति पकड़ा है। हम अभी किसी शक्ति पर है? बहिरंग शक्ति पर। हमारा इच्छा क्या है? भक्ति करना है। कौन सा शक्ति पर जाना है? अंतरंग शक्ति पर जाना है। अभी को क्या करना है हमको? वकील को पकड़ना है। अच्छा वकील बहिरंगा होगा या अंतरंगा होगा? अंतरंगा, जिसका प्रभुपाद जी बोलते थे कोर्ट में, जो कोर्ट में काम करते वकील, वो लायर हो जाने से नहीं होता है, वो अटोर्नी वकील का जो संघ होता है ना, वो लोग उनको पावर देते हैं, पावर ऑफ अटोर्नी देते हैं। हाँ फ्रॉम टूडे यू आर लॉयर, यू आर ए लॉयर, यू कैन डू दिस जॉब। समझ रहे हैं ना? ये पावर ऑफ अटोर्नी होता है। जो अंतरंग शक्ति जो होते हैं, अंतरंग शक्ति का कृपा प्राप्त जब हो जाते हैं, वो वकील हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? वो जीव के लिए, अभी बहिरंग शक्ति के लिए वो फाइटिंग कर सकता है। तो हम लोग का जो परंपरा आ रहे हैं ऐसे है परंपरा है। समझ रहे? जीव को छुड़ाने के लिए जो अंतरंगा शक्ति निकुं ययुना, देखो दो 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 बात उधर है गुरु तत्व में, दो बात उधर है। जस्य प्रसाद का ऊपर कौन सा वर्ष है? साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र। इधर साक्षात हरि बोले उक्तस्तथा भव्यत एव सद्वि किंतु प्रभुज्य प्रियवतस्य। आप साक्षात हरि कैसे बोल रहे हैं? नहीं, उस प्रिय है, प्रियत्वेना। जीव गोस्वामी लिखे शिवजी और गुरु, उनको हम क्यों साक्षात हरि जैसे मानेंगे? भगवान का बहुत डियरर है, क्लोज कंपेनियन जैसे बोलते हैं ना, बहुत संगी है, प्रिय हो जाता है, तो इसी अंश से बोला जाता है। लेकिन उनका अंतरंग बाहर जो इधर जो आ जाते हैं ना गुरु को, हम प्रिय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन गुरु जी अंतरंग शक्ति में है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? वही गुरु तत्व में है। निकुंज योना रतिकेलि सिद्धि यजाल विहि युक्ति प्रख्यणीय। ये कौन सा है? नित्य लीला में सखी जो मंजरी होते हैं, जो गुरु तत्व होता है, ये हमारा पर मत लगाइए। गुरु भी डिफरेंट कैटेगरी, हम ये आप मत सोचिए कि मैं गुरु हूं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं, ये गुरु तत्व, गुरु पर्सन नहीं है, पर्सन का मत लगाइए। आप प्रार्थना कीजिए कौन गुरु है, वो ठाकुर जी का अंतरंग शक्ति, नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, वो आपको दिखा देंगे। लेकिन ये तत्व है ना, तत्व को हम तो स्थापन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जीना पड़ेगा ना। हम पहले मैं बोल रहा था भक्ति योग हमको जीना पड़ेगा, पहले जी जाओ उसका बाद प्रॉपर्टी हमको शेयर मिलेगा। अभी हम लोग का हालत यही है। तो मैं कौन सा बात बोल रहा था कि अंतरंग शक्ति का प्रति, सखी और मंजरी जो होते हैं उनको ठाकुर जी भेजते हैं, आइदर अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, हमारे गुरु जी कहा करते थे, वॉल्यूंटरली, कभी कभी
वो सखी मंजरी लोग भलिंटर ले आते, वो नित्य सिद्ध होते हैं। और उनको प्रसन्न करने का बाद, उनका आदेश पालन करने का बाद, उनका सेवा करने का बाद, उनका कृपा जिनको मिलते हैं उनको क्या हो जाते हैं, कृपा सिद्ध। लेकिन वो नित्य सिद्ध है, जैसे प्रभुपाद जी है, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी, उस नित्य सिद्ध आचार्य, नित्य सिद्ध आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर हमारा परंपरा में आचार्य, इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा गुरु परंपरा को रख लिए। हर दिन दिखना है उस नित्य सिद्ध आचार्य, अंतरंगा शक्ति जो है, जो एनर्जी है, वो डिसेंड हुआ है उन लोग के माध्यम से। जो लोग उनकी कृपा प्राप्त करेंगे वो कृपा सिद्ध हो जाएंगे। हम तो साधन सिद्ध कलयुग में नहीं हो सकते, क्या साधन कर सकते। तो हम, हमारा वृत्ति अभी क्या है, माया वृत्ति है, हम बहिरंगा शक्ति में है, है ना। अभी कहां जाना है, अंतरंगा शक्ति को, अंतरंग जैसे केस लग गया है, अभी केस को छुड़ाना है तो क्या करना है, पुलिस, पुलिस कुछ नहीं कर सकता अभी। अभी जितना हम माया को, माया की चरण कमल पकड़कर बोलेंगे माया जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कभी नहीं छोड़ती है, ना तो संसार छोड़ती है, ना मन से संसार का भावना जाता है, कभी नहीं। अभी देखो लेयर, लेयर को पकड़ने से, जज से कोई आ जाता है ना, पेपर आ जाता है, तो पुलिस क्या कर सकता है, पुलिस वेलकम करके आपको छोड़ देता है, चलो। हमारा बल नहीं है। एक पद लिखे हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ, माया से करिया जय छड़न न जाय, साधु गुरु कृपा बिना नाही गौ पाय। सिद्धांत उधर लगेगा भाई, देखो हमको जीना है, भक्ति में रहना है, ये भक्ति एक शक्ति है। मत सोचिए कि मैं ब्रज में रह जाऊंगा, कहां भी रह जाऊंगा, खुद ही हर नाम कर लूंगा, मेरा भक्ति हो जाएगा, नहीं, ये एक शक्ति है, वो डिसेंड होता है परंपरा के माध्यम से। जी भक्ति अंश है, भगवान के अंश है ना, भक्ति करने का उनका राइट्स है। लेकिन अभी उनका ऊपर केस लग गया है, बहिरंगा शक्ति उनको पकड़ लिया है, अभी उनको अंतरंगा शक्ति वृत्ति पर जाना है। बोले नहीं, माया से करिया जय छड़ा ना ना जाए, दो काम हम कभी नहीं कर सकते हैं, ना तो माया को जय कर सकते हैं, ना माया हमको छुड़ेगा। माया से छुटकर पाना बिल्कुल असंभव है, सब पता हो जाने का बाद भी छुटकर नहीं मिलता है। हमको पता है, किसको पता नहीं है, आप कोई बोल, हम तो डिवोटीज है, हम तो कर्मी नहीं है ना, हमको पता है काल क्या होगा, कल हम जिएंगे या मरेंगे, पता है कल का सूर्य उदय हमारा भाग्य में है कि नहीं, ये भी पता नहीं है। फिर भी देखो कितना आसक्ति हम लोग का है, कितना फ्यूचर प्लान, दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, कर्मी को क्या बोलेंगे, हम भक्त होकर देखो, सत्य सत्य पता हो जाने का बाद भी माया छोड़ती, माया से छुटकर पाना मुश्किल है। इसलिए बोले साधु गुरु कृपा बिना नाही को उपाय, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। महात्मा लोग जो साधु है, गुरु है, आचार्य लोग है, उनकी कृपा, उनकी कृपा क्या है, वही कृपा शक्ति है, भक्ति शक्ति है, भक्ति शक्ति है, अंतरंगा शक्ति हो गया ना, और अंतरंगा शक्ति आ गए तब माया बहिरंगा शक्ति चले जाए, समझ ले कि नहीं। तो अभी बहिरंगा शक्ति में है, हमको अंतरंगा शक्ति को जाना है, अंतरंगा शक्ति को जाने के लिए क्या करना है, वकील को पकड़ना है जो अंतरंग शक्ति में है। तो वकील को पकड़ने से क्या होता है, वकील तो कृपा शब्द हो गया, साधु को आप पकड़ लिए, अभी वकील जैसे आपका नाम पर केस है, आप वकील को पकड़ लेते हैं, वकील ऐसे ही आपका केस के लिए फाइटिंग करेगा, क्या करेगा, वकील का क्या पैसा देना है, सेवा क्या अब पैसा देना है, फिर पल फूल लेना है, खाना पीना हमको देना है, तो आपके लिए वो फाइटिंग करेगा, है ना। तो गुरु को क्या करेगा, पैसा देंगे गुरु जी को, अंतरंग शक्ति में वो तो फाइटिंग करेगा ना, आपके लिए फाइटिंग करेगा, तो उनका क्या करना, अरे उनकी सेवा क्या है, उनकी सेवा है भगवान की सेवा, देखो कैसा प्रिंसिपल है। वही जिनका शक्ति हमको पकड़े हैं, उनका शक्ति से हम छुटकर चाहते हैं, बहिरंगा शक्ति हमको पकड़े हैं, अंतरंग शक्ति हम छुटकर चाहते हैं, फिर गुरु क्या करते हैं, गुरु वही अंतरंग शक्ति में लगा लेते हैं, जब तुम्हें सेवा करो, देखो कितना सूक्ष्म तत्व है। हम सब मिलते हैं ना गुरु जी का, गुरु जी कृपा कीजिए गुरु जी, अरे गुरु जी कृपा क्या है, गुरु जी यही करते हैं कि तुम बहिरंगा शक्ति से छुटकार पाने के लिए गुरु जी सब व्यवस्था कर देते हैं, चलो अंतरंगा शक्ति का सेवा करो, भगवान की सेवा करो, नाम संकीर्तन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, इसके माध्यम से तुम क्या हो गए, तुम अंतरंगा शक्ति में आ रहे,
जितना स्पिरिचुअल प्रोग्राम से इस अंतरंग शक्ति का, तुलसी जी तुलसी का तुलसी कीर्तन करना, हर नाम कीर्तन करना, भगवान का सेवा करना, ये अंतरंग शक्ति का वृद्धि होता है। ये तदीय वस्तु स्वभाव। तो हमारे लिए जरूरत कौन है अभी? अंतरंगा शक्ति का जो दूत इसको बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, वो लादिनी शक्ति अंतरंगा शक्ति का दूत है। समझ रहे हैं ना? हम गुरु जी को प्रभुपाद जी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वो एक प्रचार रखा है। समझ रहे हैं ना आप? हम भी एक प्रचार है, आप भी प्रचार है, सब प्रचार है। तो प्रचार है, हमको ढूंढना है मेरा भक्ति वृत्ति है या ज्ञान का वृत्ति है या वैराग्य का वृत्ति है, हमको देखना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए, समझ रहे ना आप? भक्ति का वृत्ति प्रभुपाद के अंतर में, अंतरंग शक्ति का दूत है ना। देखो भक्ति का वृत्ति कहां रोपण किए? पाश्चात्य देश तारिण। हम भारत वर्ष में जन्म हुए, हमको भक्ति करना मुश्किल है, लेकिन वो पाश्चात्य देश में गए और किसी को हिप्पी। मैं जिस रूम में हूं कौन उसमें लिखा है स्वामी जी इन्वाइटेड हिप्पीज, एक पेपर में निकला था, उधर एक लेमिनेशन है, मैं देख रहा था ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है स्वामी जी इन्वाइटेड हिप्पीज। इधर कोई हिप्पी आ जाएगा आप पास में रखेंगे? भगा भगा भगा, वो शराब पिए हैं, भगा उनको। देखो अंतरंग शक्ति का वृत्ति क्या होता है, आचार्य लोग ऐसे स्वरूप में देखते हैं। जब उनका स्वरूप पता नहीं होता है तो उनका वाक्य पर आप कैसे ध्यान देंगे? जैसे कोई करोड़पति है ना, उनका पहला उनका धन को पता होना चाहिए, करोड़पति है, तब क्या करेंगे? उनका चेला बनने के लिए आपको इच्छा होगा, उनको प्रसन्न कर लूंगा तो पैसे। अभी हमारा प्रॉब्लम यही है, अभी भगवान का ऊपर देखो, पैसा प्राप्त, कृष्ण प्राप्त करने हम करने के लिए हमारा इच्छा है। कृष्ण कैसा है? जैसा पैसा है, लेकिन करोड़पति कौन है? करोड़पति कौन है? कृष्ण करोड़पति नहीं है, वो किसका अधीन? भक्त का अधीन में है, भक्त का अधीन में, वो खुद को नहीं दे सकता है, वो इंडिपेंडेंट है। ये गौड़ीय सिद्धांत है और भागवत के सिद्धांत है, अहं भक्तो पराधीन जिससे प्रसादत भक्त, इस जगह में लगेगा 100 वर्ष लग जाएगा। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र भाव से ज्ञान दे सकते हैं, वैराग्य दे सकते हैं, पुण्य का फल दे सकते हैं, भक्ति नहीं। कि भगवान ने कानून बनाया, ये कानून भगवान ने बनाया, मैं भक्त बस हूं, मैं जब भक्त का बस हो जाता हूं, जब भक्त प्रसन्न हो जाता हूं, मैं खुश हो जाता हूं। इसका मतलब क्या है? भक्त का अंतर में, शुद्ध भक्त का अंतर में अंतरंगा शक्ति का वृत्ति है, लादिनी शक्ति राधारणी, वो सखी मंजरी है, वो लोग आए हैं, उन लोग को प्रसन्न करना है। उनका धन क्या है? आचार्य लोग का धन क्या है? क्या है आचार्य लोग के पास? कौन सा धन है? कृष्ण को सुख देना, कृष्ण सुख वासना, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते, कृष्ण को सुख देना ये लक्ष्य है। जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका लक्ष्य यही है, क्या? कृष्ण को सुख देना। और हम जो कर रहे हैं, हमारा कोई भी एक्टिविटीज में हमारा सुख है। चाहे गुरु का सेवा हो, हमको अच्छा नहीं लगता है ना, हम बोल देते हैं गुरु जी ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं इधर सेवा नहीं कर सकता हूं, मैं ये डिपार्टमेंट में सेवा नहीं कर सकता हूं। ये हमारे और आचार्य में यही डिफरेंस है। तो भक्ति लता जो बीज है, जैसे हम भक्ति प्राप्त करेंगे ना, तो भक्त सब चीज का एक बीज होता है, हिंदी में बीज बोलते हैं ना, सीड्स। हाँ, तो इसका सीड क्या है? यही सीड्स, ये जो एनर्जी, जो शक्ति, अंतरंगा शक्ति का जो वृत्ति होता है ना, वो जिससे डिसेंड होता है, वो एक सीड मिलता है। गुरुजी प्रसन्न जब होता है, वो एक सीड क्या है? बीज मिलता है। बीज क्या है? ब्रह्मांडे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इसका बाद गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, तब किसका प्रसाद पहला है? गुरु का? गड़बड़ी हो जाएगा। इधर यही सिद्धांत पर ही दूसरे लोग को आप कन्विंस कर सकते हैं, या कोई लोग कृष्ण डायरेक्ट कभी कृपा नहीं कर सकते। और अगर कृष्ण किसी को डायरेक्ट कृपा करते हैं ना, उसको समझना चाहिए, चाहे पिछले जन्म में हो, उनको कोई भक्त कृपा किए हैं,
भक्ति कृपा सिवा कृष्ण कृपा डायरेक्ट नहीं होते, ये चक्रपाद ने लिखे हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखे, ये भगवान का कानून है। चाहे पारंपरिक कृपा हो, चाहे प्राक्तन कृपा हो, नहीं तो आधुनिक कृपा, डायरेक्ट कभी कृपा नहीं मिलती, भक्ति नहीं मिलती, समझ रहे ना आप। झमेला थोड़ा हो जाता है मंदिर में, कहां किससे लड़ाई हो गया, कुछ हो गया, तो सोचता है ठीक है अकेला रहूंगा ब्रज में। भाई ये जीने का काम है, हम जी जाएंगे बस, यही बोलो, थोड़ा हरिनाम करके हम जी जाएंगे बस, कोई झमेला नहीं है, खा पी कर सो जाएंगे, कब मंगलारती है, कब कुछ है, वो सब वो अलग है। भक्ति तो अलग चीज होता है ना, भक्ति पहले हम सुने ना क्या है, भक्ति वृत्ति, भक्ति एक शक्ति है, वो परंपरा आचार्य माध्यम से अंतरंग शक्ति है, तो हम बहिरंग शक्ति में है, और अंतरंग शक्ति को लाना है हमारा जीवन में, इसलिए गुरु अंतरंग शक्ति में होते, वो भगवान श्री विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं, तुलसी, सो ये अंतरंग शक्ति का प्रिंसिपल। हमको क्या करना है, हम बहिरंग स्पीयर से अंतरंग शक्ति को जाने, समझ रहे ना आप। इसीलिए हम, कोई बोलता है क्यों मैं गुरु का आदेश पालन करूंगा, क्या वो जो बोलेगा हम यही से करूंगा, तो आपको यही देखना है कि गुरुदेव जो बोल रहे हैं वो अंतरंग शक्ति का कार्य है कि या बहिरंग शक्ति का कार्य। इसमें मुझे भक्ति मिलेगा कि नहीं तो मानो देखो, मैं कौन सा पॉइंट पर इधर चला आया, कौन सा बोल रहा था, हाँ भक्ति लता बीज है ना, तो भक्ति लता बीज जो है वो क्या है, तो आप परंपरा से कनेक्टेड है या आचार्य कृपा प्राप्त किए हैं, क्या भक्ति का वृत्ति आपका अंतर में है, कब आता है, जब वो प्रसन्न होते हैं, तो कैसे पता चला कि मेरा भक्ति लता बीज हो गया, मुझे प्राप्त हुआ, हम कैसे लगाते हैं इसको प्रीचिंग में, दिखा हो गया तो हम बोलते हैं हाँ भक्ति लता बीज प्राप्त हो गया, हाँ ठीक है। तो क्या बोले चैतन्य महाप्रभु, क्या बोले दीक्षा के बावजूद में, दीक्षा कले शिष्य करे आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे सही कले करे आत्मसम, सही कले देह तार चिदानंदमय, ऐसे लिख। जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं होते हैं, ये बड़ी ट्रांसडेंटल नहीं होता, तब भजन करना मुश्किल होता है। तो आत्मसमर्पण क्या करे, ये देह तो समर्पण नहीं करते हैं, थोड़ा सेवा ज्यादा हो जाता है तो बोलते क्या हम इतना सेवा करने के लिए आए हैं, देह समर्पण नहीं करते, आत्मा थोड़े आत्मसमर्पण करेंगे, आजकल लोग इतना थोड़ा किसका ज्यादा सेवा हो जाता है बोलते इतना सेवा में क्या करूंगा, मुझे भजन करना है, इतना भजन आनंदी है, तो बोलते हम मुझे सेवा करना, क्या जीवन भर यही काम करना है, तो जीवन भर क्या करना है, एक बार घर संग घर गृहस्थ में घुस जाओ तो बोलो जीवन जीवन भर क्या करना है, घर में बोलते हो वैसे, जैसे कोई गृहस्थ हो जाता है तो कोई बोलता है, कोई प्रभु जी लोग शादी करते हैं वो बोलते हैं कभी क्या जीवन भर यही करना है, पत्नी को पैसा कमा कर देना है, अब पत्नी ऐसे बोले कि क्या जीवन भर मुझे कुकिंग करना है, अरे जो भी काम करो जीवन भर करना है, गृहस्थ बनो तो जीवन भर गृहस्थ का काम करना पड़ेगा, साधु बनेंगे तो जीवन भर भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, इसमें क्या है, भक्ति लता विजय होता है जब अंतरंग शक्ति में हम जा, अंतरंग शक्ति डिसेंड हुआ है, कितना परसेंट में डिसेंड हुआ है, अच्छा लोग कैसे आपको पता चलेगा, कृष्ण को सुख देने का वासना कितना अंतर में उदित होता है और खुद का सुख वासना कितना चला गया है, इसको देखो थर्मोमीटर जैसे लगाते हैं ना, टेम्परेचर कितना है, कृष्ण के लिए कितना हम तरस रहे हैं, तो क्यों ये जो विदेशी भक्त लोग थे, अभी देखो हम कितना प्रीचिंग करते हैं, भक्त बना देते हैं, ये नया नया भक्त तो ये 10 साल तक आपको फॉलो करेंगे, उसका बाद तो आपको घुमाकर फेंक देंगे, बुरा मत मानिए, मैं खुला आदमी बोल देता हूँ, जितना प्रीचर है लीडर है प्रीचिंग लीडर है उनको पूछो वो बता देंगे, एक्सपीरियंस है, ये नया नया प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बोलते हैं, भगवान जैसे मानते हैं, थोड़ा पुराना हो जाता है तो प्रभु जी को दबाकर बलि महाराज बना देते हैं, सुतल में भेज देते हैं, खुद ही स्वर्ग चला जाते हैं, देखो ये बुरा बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस करके देखेंगे, आप मैं तो बोलता हूँ भाई, आप जिसको प्रीचिंग जिसको भक्त बना है ना वो तुम्हारा गला को पकड़ेगा, क्योंकि क्यों पकड़ेगा, वो तो जज करेगा, ये मुझे भक्त बनाया था उनका पास भक्ति है कि नहीं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, देखो ये भी बहुत बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन जब प्रभुपाद गया विदेश, देखो अंतरंग शक्ति का वृत्ति क्या होता है, प्रभुपाद जब विदेश गए
तो वो लोग कैसे, उन लोगों का बैकग्राउंड कैसा था आप सोच लीजिए ना। कल मैं सुन रहा था, देखो कितना एक्साइटेड होकर बोल रहा था, अभी वो फीलिंग्स है, अभी वही भाव है। तो वो सोच रहे थे कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर में एक शक्ति काम कर रहा था। अभी कभी हम जो डिसाइपल लोग हैं, हमें कभी नहीं सोच रहे कि ये गुरु का शक्ति मुझे चला रहा है, इतना डिफरेंस समझ रहे हैं। हम दिखा तो ले लिए, ब्राह्मण दिखा ले लिए, गुरु का सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं हमारा ये फीलिंग्स नहीं आ रहा है कि ये गुरु का शक्ति मुझे चला रहा है। लेकिन जो प्रॉपर डिसाइपल है उन लोग का ये फीलिंग्स है, कितना एक एक एनर्जी जैसे ट्रांसफर हो रहा था, क्योंकि ये शुद्ध भक्त थे ना, उनका जो आदेश, उनका जो सेवा, वो फीलिंग्स है। इसलिए आज इसकन मैं अभी कहां बोल रहा था, इसकन क्या है, इसकन यही है, दूसरे लोग के लिए संस्था है, सोसाइटी है, हमारे लिए यही है गुरु भक्ति है, ये गुरु भक्ति का अनुष्ठान है। प्रभुपाद ने इतना गुरु जी को इतना सेवा किया है, भक्ति किया है, जिसके लिए गुरु जी ने सब व्यवस्था, सारी दुनिया में व्यवस्था कर दी। कितना एसोसिएट से आ गए, और प्रभुपाद के शिष्य लोग का जो गुरु भक्ति है उसकी वजह से इसकन टिक कर रहा है। अब बुरा मत मानिए, मैं डायलॉग नहीं लगा रहा हूं, ये नाटक का डायलॉग नहीं, फिल्म का डायलॉग नहीं है। आप देख लीजिए, आप एक मंदिर बना लीजिए, आप चेला बना लीजिए, तब तो आपको पता चलेगा वो कितने चेला लोग कितना आपको डेडिकेशन देते हैं। आप देख लीजिए वो जो प्रोटेक्टिव इसकन, हमारा जो सोसाइटी है, जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्रभुपाद जी ने बोला है ये गुरु भक्ति का काम। प्रभुपाद के शिष्य लोग मैं देख रहा था कितना वो जो फीलिंग्स है, गुरु भक्ति का जो फीलिंग्स आ जाता है कि अंतरंग शक्ति ना, अंतरंग शक्ति में निष्कपट भाव से कुछ सेवा किए हैं, समझ रहे हैं ना। हम तो जीव है, माया ग्रस्त जीव है, काम है, क्रोध है, हम इतना 100% सरेंडर सोल नहीं है, फिर भी निष्कपट भाव से, सरल भाव से कुछ सेवा, जो अंतरंग भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, उनके लिए कुछ भी हम कर लेते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो फीलिंग्स आ जाता है, ये मेरा गुरु का बल है, ये मेरा गुरु का धन है, ये मेरा बुद्धि गुरु का है। क्योंकि समझ रहे ना, हम जो गुरु गुरु शब्द लगा रहे हैं, तो वो गुरु तो कौन, आदि गुरु कौन है, कृष्ण है। और कृष्ण का, कृष्ण की गुरु कौन है, कृष्ण की गुरु कौन है, ना तो संदीपनी है, ना तो ये तो मेटेरियल, तो मेटेरियल एजुकेशन नहीं बोल सकते, ये बाह्य गुरु है। कृष्ण की गुरु कौन है, राधा रानी, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, वो मुझे सब सिखा, प्रेम का गुरु, मेरा प्रेम का जो गुरु है कृष्ण, वो गुरु, हम जो गुरु बोलते हैं तो पूरा पूरा परंपरा आचार्य राधारणी, राधारण से लगता, वो जो फीलिंग्स है, कृष्ण को सुख देने का जो वासना है, और वो जो फील, ये हमारा अंतर में नहीं आ रहा तब तो पता चलेगा। जैसे हम मंत्र लिए हैं, गुरु ग्रहण किए हैं, गुरु जी का सेवा कर रहे हैं, एक डिफरेंस रहता है। क्या बोलते हैं आपको पता है, क्या क्या बोलते हैं, पेस्ट, आजकल स्टिकर मिलता है, स्टिकर में पेस्ट, हाँ स्टिकर जो होता है ना, स्टिकर बोलते हैं क्या, इसका पीछे एक लगता है चीज, तो पेस्ट है उसको, लेकिन वो पेस्ट नहीं लग रहा है इसका, इसकी वजह से उसको निकाल दीजिए, लगा लीजिए। और गुरुदेव आचार्य और हम लोग का बीच जो अंतरंग शक्ति क्यों डिसेंड नहीं कर रहे हैं, इसी की वजह से। देखो अंतरंग शक्ति है और हमारा बहिरंग शक्ति है, और बीच में हम पेस्ट लगा लिए हैं, यही क्या वो पेस्ट है, खुद का सुख वासना। आज हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है तो भक्ति कर रहे हैं, कल अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दें। लेकिन अंतरंग शक्ति जब आ जाते हैं ना, जो भक्ति लता बीच, इसलिए बोले भाग्यवान, इज फॉर्चुनेट सोल। तो हम आचार्य परंपरा की जो सीखा है इसी दृष्टि से मनन करते हैं। आजकल तो शास्त्र, बहुत शास्त्र, क्या गूगल है, गूगल में मिल गया, क्या नेट में निकल गया, कोई भी कुछ कमेंट्स दे देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, सब बोलते हैं ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा। भाई तो ये तो अलग बात है, ये कल हम डिस्कशन करेंगे। भक्ति जो करना है तो पहले सोच, सुन लीजिए, जो भक्ति जो है ना, तो अगर हम देखेंगे तो भक्ति पहले क्लियर हो गया ना, भक्ति क्या है, एक शक्ति है, मर्सी पोटेंसी, वो कैसे, वो किसकी शक्ति है, राधारानी की शक्ति है। वो शक्ति का नेचर क्या है, कृष्ण को सुख देना है। वो शक्ति कैसे आती है, राधारानी भेजती नहीं, प्रदान करने के लिए। तो हम लोगों को क्या करना है, उन लोग का अनुगत्य स्वीकार करना, अनुगत से रहते। शिष्य का जो मतलब होता है अनुगत,
तो हम सब शिष्य हैं, अनुगत्य में से रहते हैं ना, हम गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी प्रभुपाद जी को मानते हैं, प्रभुपाद जी भक्तिदान ठाकुर, ये अनुगत्य में से रहते हैं, ये शिष्य परंपरा है। मानन तो गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन मानन सबका अंतर में क्या है, शिष्य है। गुरु कौन है, राधारानी, अंतरंग शक्ति का जो वृत्ति है वो डिसेंड होती है। तो ये गुरु जी जो गुरु का जो शक्ति होते है ना, तो वो क्या करते हैं, हमारा गुरु जी क्या करते हैं, गुरु का काम ही होता है अंतरंगा शक्ति को वितरण करने के लिए इधर एक संसार हेवीली क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं ना, उसको गुरु संसार बोलते हैं, साधु का संसार है, दूसरा लोग मंदिर बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, कहां गए थे, इस्कन मंदिर। ये हमारे लिए इस्कन मंदिर नहीं है, हमारे साधु का घर है, प्रभुपाद जी का घर है, संसार करना है वो करना है ये तो नहीं, ये तो संसार में क्या आपका डिपार्टमेंट है, जो माता जी लोग है प्रभु जी लोग है, आपका घर में डिपार्टमेंट है, गृहस्थ प्रभु जी लोग का डिपार्टमेंट है, हमारा ब्रह्मचारी लोग का डिपार्टमेंट है, हम हमारे डिपार्टमेंट में सेवा करेंगे, गृहस्थ प्रभु जी का कौन सा डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट का हेड वही है। आज माता जी कुकिंग नहीं करेगी तो क्या करेगी आप, किचन डिपार्टमेंट का हेड बनना पड़ेगा, बुखार हो गई तो कपड़ा साफ नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये मेरा परिवार है, आपका फैमिली के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं, सब कुछ कर लेते हैं, ऐसे अंतरंगा शक्ति का कृपा प्राप्त करने के लिए जो आचार्य लोग आए हैं ना, जो कृष्ण संसार मंदिर खुलना, जैसे प्रभुपाद जी विदेश में, देखो विदेश में कहां कहां मंदिर खुले हैं, कैसे भगवान को प्रार्थना करते थे, कैसे भगवान, हमारे लिए तो विग्रह है, आचार्य लोग के लिए विग्रह नहीं है, कृष्ण है, अब तो विधि में मान लेते हैं, हाँ कृष्ण है, ऐसा है ऐसा, हम खिलाते हैं, हम ये नहीं मानते कि ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, आचार्य लोग के लिए यही, ये नहीं है, कभी नहीं है, अंतरंग शक्ति से आया ना, उनको अंतरंग शक्ति का वृत्ति से पता है, तो क्या करते हैं, तो हमको क्या करना है, एक मेंबर बनना है गुरु संसार, इस साधु संसार में एक मेंबर बनना है, फैमिली मेंबर हो जाते हैं ना, क्या करना, फैमिली में जब शादी कर लेते हैं, अभी थोड़ा सुख दुख अलग लगता है, शादी कर लेने का बाद क्या है, सुख दुख सहन करना पड़ता है, इधर सहन नहीं, इधर अलग चीज है, गुरु संसार में सुखी सुख है और दुखी ये इतना नहीं हो रहा है, इसीलिए हम मर रहे हैं, हमारा भोजन इसीलिए नहीं हो रहा है, परिवार में हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सुख मिलता है तो बोलते हैं हम सुखी है, दुख मिलता है वो बोलते हैं दुखी है, लेकिन भगवान की जो सेवा है गुरु संसार में क्या होता है, सब सुख है, सुख में सुख है दुख में भी, यही सीक्रेट है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, इसलिए भक्तों ने ठाकुर बोले, तुम्हार सेवाए दुख है जत सही त परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद ना सही अविद्या दुख, पूरा एसेंस लिख लिए, इधर तो सुख दुख का डिस्क्रिमिनेशन रहता है, प्रभुपाद हम अगर मेटेरियल कंसिडरेशन साइड में देखेंगे तो प्रभुपाद को दुख नहीं हुआ है, आज कोई भक्त आज तो फ्लाइट में एक दिन वही प्रभुपाद की कृपा से आज कोई भी डिवोटी एक दिन में अमेरिका चला जाता तो उनको भेज दिया जाएगा, तुम चलो जल दूत, अभी कौन सा दूत जल रहा है अभी जो उनको भेज दो, तुम जाओ अमेरिका कार्गो है, कार्गो शिप में जाना है आपको, जाओ ना, मैं बाली गया था, बाली में वो लोग आते हैं सिलावसी, सब सिलावसी है, सब आइलैंड में आते हैं, वो जब पहले आते थे वो बोल रहे थे, महाराज हम 5 दिन ऐसे आते थे, 5 दिन जर्नी करना, मैं बोला उस समय खाने पीने को हमारे पास कुछ नहीं था, हम गाँव रहे आदमी थे, हम बाली आए थे, बाली क्यों सिटी है, बाली सिटी है, और सब तो 5 दिन 4 दिन आते थे, पैसा भी कम था, मैं बोला कि अभी आप जा सकते हो, नहीं अभी फ्लाइट, देखो दुख परेशान में कोई नहीं रहना चाहते हैं, कितना दुख है, प्रभुपाद जी का लाइफ हिस्ट्री पढ़ लीजिए ना, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ लीजिए, लेकिन उनको दुख कभी नहीं लग रहा था, कृष्ण का ये व्यवस्था कि ये गुरु का संसार, तो वही गुरु संसार में हम जो गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं, जो भक्ति शक्ति सुन रहे हैं ना, जो भक्ति शक्ति है वो जो डिसेंड है ना, गुरु डिसेंड किए हैं ना, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरुजी वही अंतरंग शक्ति की सेवा में लगाते हैं,
और खुश हो जाते हैं कि ये भगवान की प्रसन्नता कर रहे हैं, ये मेरा प्रभु जी का प्रसन्नता कर रहे हैं, राधा रानी की सेवा कर रही है, तब तो वो जो भक्तिलता का जो बीज है जी प्राप्त होता है। कृष्ण को सुख सुख देने का जो वासना है ये भक्तिलता बीज है, तब तो भाग्यवान हो जाते हैं, वो भक्तिलता प्राप्त कर लेता है। सबका अंतर में एक दूसरा साइड में चलिए, सब भक्त है, भक्त नहीं है, कोई देश का भक्त है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, तो क्या गुरु का सेवा करना है, क्या भक्त का सेवा करना है, हम तो भगवान का सेवा करना है। कोई कहे शास्त्र में तो बहुत चीज है, शास्त्र को क्या धरना है। मैं छोटा छोटा बात मैं बोल देता हूं, आप जितना प्रभु जी देते हैं मैं इतना बोलता हूं, मैं बड़ा इतना बड़ा शुद्ध भक्त नहीं हूं। जो देशभक्त है, क्या देशभक्त का मतलब सिर्फ भारतवर्ष को, भारतवर्ष का भक्त है, भारतवर्ष में जो आदमी है उनका भक्त नहीं है? इंडिया बोलेंगे तो, इंडिया बोलेंगे तो इंपर्सनल हो गया कि नहीं? इंडिया का आदमी है ना, इंडिया समझ रहे ना। कोई बोलता है मैं भारत को प्रेम करता हूं, भारत को प्रेम करने का मतलब भारत देश को प्रेम करता है, भारत में जो आदमी रहता है उनको प्रेम करता है, और भारत के चीज को है। जैसे कोई है ना कि राम बाबा ना क्या कौन सा बाबा है, वो बोलता है ना इंडियन चीज यूज करो, अमेरिका चीज यूज करो ना, हाँ जो बाबा भी बोलता है देखो वो भारत को प्रेम करते हैं ना, बोलते भारत के भारतीय चीज को। तो भारत देश भक्त होता है, देश भक्त जो होता है क्या देश को प्रेम करता है, देश में रहने वाले को प्रेम करता है, देश का प्रिंसिपल को फॉलो, जो सब कुछ चीज को पसंद करता है। अगर कोई बोलेगा मैं देश भक्त हूं, इंडिया को मैं प्रेम करता हूं, इंडिया में रहने वाले को प्रेम नहीं, तो इंपर्सनल हो गया कि नहीं? ऐसे कृष्ण भी इंपर्सनल हो जाते हैं, पता है आपको कैसे है? पता नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण का मतलब कौन है? जैसे राजा है, राजा का मतलब कौन है? राजा है मतलब रानी है ना, राजा का लड़का है, देश है, प्रजा है, तब तो राजा है ना। अगर कोई बोलता है मैं कृष्ण को प्रेम करता हूं, भक्त को नहीं प्रेम करता हूं, तो कृष्ण इंपर्सनल, भक्त को छोड़कर कृष्ण भी इंपर्सनल हो जाएंगे, होंगे नहीं? तो बताइए ना, ऐसा कोई लीला बताइए भक्त को छोड़ दीजिए, कोई भी प्रवचन दीजिए भक्त का नाम मत लीजिए, लीला कीर्तन कीजिए, होगा? तो हम ही बोलेंगे इंडिया में आई लव इंडिया ना, क्या बोलते हैं मैं भारत को प्रेम करता हूं, लेकिन भारतीय को नहीं, ये संभव है? जो भगवान को प्रेम करता है तो भगवान का कौन है? एसोसिएट्स, भक्त। तो भक्ति जब लगता है दोनों का है, ऐसा नहीं कि भगवान को हम प्रेम करते हैं भक्तों को प्रेम नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। तो भक्ति किसको क्या क्या करना है, किसको करना है? भक्त को भी भक्ति करना है और हम भगवान को भक्ति करना है ना, क्या करना है हमको? भागवत में तस्मा सर्वात्मा तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। कोई ये श्लोक पर आपको काउंटर करेंगे, परीक्षित सुखदेव तो यही बोल रहे कि भगवान को भक्ति करना चाहिए, आप क्यों बोल रहे हैं भक्त को भक्ति करना चाहिए? भागवत में एकादश स्कंध में देख लीजिए, भक्त भक्ति माने सबता है, ये तो रेफरेंस में नहीं, तो कॉमन चीज देख लीजिए। जैसे आप भारतवर्ष को प्यार करते हैं, इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल है, जो भी चीज है, जो भी आदमी, सबको प्रेम करते हैं। तो भगवान जो संगी है ना, कृष्ण का जो संगी है, उनका धाम है, सब में प्रेम रहना चाहिए। भक्ति जो शब्द कहां से आया, कौन सा धातु? मैं पढ़ता हूं बोलता हूं, मैं संस्कृत मुझे पता नहीं है ज्यादा, पढ़ लेता हूं समझ लेता हूं, लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ा हूं मैं। भज धातु से, भज धातु का मतलब क्या होता है? सेवा, सेवनम। और भक्त और भगवान दोनों का धातु क्या है? सम, सन। क्या है? भज धातु से भक्त, भज धातु से भगवान, ए भक्ति। तो देख लीजिए भक्ति का सरल डेफिनेशन देख लीजिए आप, डेफिनेशन तो है अन्य अभिलाषितम शून्यम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये तो सुबह है शास्त्रीय। अब देख लीजिए वो सब टीका है, कमेंट्री दुर्गम संगम टीका देख लीजिए, कितना कितना सुंदर लिखे हैं सब, आनुकूल्यन क्या मतलब है, सर्वोपाधि क्या है, तो बहुत सुंदर है। तो भक्ति देख लीजिए, एक देश भक्त का क्या लक्षण होता है, देश भक्त का क्या लक्षण होता है? जो भी कर्म करता है किसके लिए करता है?
स्वार्थ भक्त शब्द जान लगता है, निष्काम भाव से देश के लिए करता है ना, पहला ये खुद का पता नहीं सोचता है देश के लिए, पहले भक्त का मतलब यही होता है निष्काम भाव से जिसको प्रेम कर रहे हैं उनके लिए करना, भक्त है ना वो। जैसे कोई शराब पीता है उसको क्या बोलेंगे आप, किसका भक्त है वो, शराब का भक्त है ना, उनको इतना प्रेम करता है शरीर खराब हो जाते तो भी नहीं छोड़ता है, और निष्काम भाव का सेवन करता है कुछ भी नहीं, चाहे सम्मान जाए कुछ भी जाए, कोई भी लोग बोले, पत्नी बोले, कुछ भी बोले, निष्काम भाव से है ना। या शराब जब वो पीते हैं क्या परसेंट देखते हैं, इतना परसेंट पीना है इतना परसेंट नहीं पीना है, ये करना नहीं, वो पूरा निष्काम भाव से पी लेता है, ये भक्त हो गया है ना। उस कुछ कुछ स्वार्थ नहीं है, मुझे सेवा करना है, किसका सेवा करना है, शराब का सेवा करना है, कर लेता है, इसको भक्त बोलते हैं। जीव का यही स्वभाव है, वो आत्मा है ना, वो किसका ना किसको सेवा करेगा, अरे सेवा क्या होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए। और जिसको प्रेम करते हो, जिसको भक्ति करते हो, भक्त हम भक्ति करते हैं इसलिए भक्त, भक्त जो शब्द है ना, विशेषण एडजेक्टिव है, वो तो संस्कृत में लिखा, मैं पढ़ रहा था, व्याख्या करना है मेरे लिए, मैं तो इतना पंडित नहीं हूं, आजकल प्रभु जी जो लोग है उनको अच्छा है, पता है, जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्त है, और भक्ति हम नहीं करेंगे तो भक्त कैसे बने, जो सेवा कर रहे हैं वो भक्त है, और सेवा क्या होना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, बस सेवा। और देख लीजिए, ये तो सेवा करना, तो कोई कोई पूछेगा ना, तो ठीक है मेरा घर में मैं ठाकुर जी को रखकर मैं सेवा करूंगा, याद रखना चाहिए हम किस शक्ति में है, पहले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहिरंगा शक्ति में है, हमारे नाम पर केस अभी है, कितना दफा लगा है हमको पता नहीं है, समझ रहे हैं ना, कितना दफा लगा है पता नहीं है, हम छुड़ा नहीं सकते हैं, हमारा छुटकार पाना मुश्किल है, हमको वकील के पास जाना है। इसलिए जो भी सेवा करना है, जो भी भजन करना है, किसके किसके अनुगत्य से करना है, वकील के अनुगत्य से, जो अंतरंग शक्ति में, ये हमारा परंपरा सिस्टम, जो परंपरा सिस्टम जो है ना, भक्ति मार्ग प्रवर्तनम संपद जो बोल रहे हैं यही है, हमको पता नहीं है वकील कौन सा कोड लगाते हैं, कैसे आपको छुटकारा मिलता है, किसी को पता है, हाँ? वो जज को पता है, जज का साथ उनका बातचीत चलता है, आप तो बुद्धू जैसे खड़ा होते हैं, वो बुद्धू जैसे खड़ा होते हैं, सुनते रहते हैं सार, इसको क्या बोलते हैं, पहले बोलते थे इंडिया में क्या, जज को क्या बोलते थे, माय लॉर्ड, अभी बोले नहीं माय लॉर्ड, अच्छा किए हैं, मैं पेपर में पढ़ रहा था, अभी इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है, माय लॉर्ड, क्या यू लॉर्ड है, पता है ना आपको, वकील लोग बोलते थे माय लॉर्ड, क्या भगवान है क्या, अभी बोलेंगे माय सर, और कुछ भी बोलो माय लॉर्ड, अरे ये जो माय लॉर्ड हम लगाएंगे ये वकील को हम बोलेंगे माय लॉर्ड, तुम मुझे छुटकार दो, अरे ये जो वकील है, ये जो जज है, उनको बोलते माय लॉर्ड, कौन माय लॉर्ड बोलते हैं, कौन बोलते माय लॉर्ड, वकील बोलते हैं माय लॉर्ड, जो कैंडिडेट है वो बोल नहीं सकते, वो सामने एक बात भी नहीं बोल सकता है, और हम बोलेंगे, हम चिल्ला रहे हैं राधारणी में आपकी हूं कृष्णा, क्या राधारणी, तुम्हारा नाम केस लगा, अभी बातचीत नहीं होगा, वकील को पकड़ो, पहले वकील के माध्यम से आओ, जो बातचीत, हमारा भजन क्या है, तो कोई क्वेश्चन करेगा, तो इतना हम चैंटिंग कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, क्या भगवान नहीं सुन रहे, सुन रहे, डायरेक्ट भजन भजन नहीं होता है, कल हम सुनेंगे अनुगत्य क्या है, भक्ति कैसे, उस भक्ति ट्रांसफर कैसे होती है, हम इसीलिए तो भक्त लोग के मन में वो आ जाता है कि मैं इतना चैंटिंग कर रहा हूँ, इतना परिक्रमा कर रहा हूँ, इतना दिन से सेवा कर रहा हूँ, मेरा भक्ति क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है पास में, अंतरंगा शक्ति का जो दूत है उनका अनुगत्य हम नहीं है, स्वतंत्र भजन करते, आश्रय, प्रभुपाद जी कितना बार लिखे हैं भर्स को, आश्रय लया भजे ताते कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे अकारण, वो मरे लिख लिए हैं नरोत्तम दास ठाकुर, बोले लगेगा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया,
इसलिए भक्ति कितना वैरायटी की भक्ति जी, वो तो बहुत व्याख्या किया आचार्य लोग ने। हम तो सुनने से हम तो सोचेंगे गया जीवन बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं होगा इस जीवन में। भाई देखो हमारा क्या है, हम तो उन लोग का है, हमको वकील पकड़, समझ रहे ना आप, वकील को पकड़ना है, जो पैसा देना है देना है, इधर क्या है गुरु जी को पकड़ना है, सेवा करना है, कैसे छुटकारे मिले गए उनको पता नहीं। वो वकील कौन सा कोर्ट लायर कौन सा कोर्ट लगाएगा, उनको लायर को पता है और किसको पता है, जज को पता है। ये हम बुद्धू जैसे खड़ा होकर रहते हैं, हमारा जितना दोष है, हमारा जैसे स्वभाव है, जैसा अनर्थ है, हमारा जो कर्म है और जो संस्कार है, जो स्वभाव है, किसे छुटकारा मिलेगा? अगर आप सोचेंगे ना गया, जैसे कोई मर्डर किया है ना, वो अगर सोचेगा खुद का बुद्धि से मैं मर्डर कर लिया हूं अभी मुझे छुटकार, वो अगर खुद का दिमाग लगाएगा कभी छुटकार मिलेगा? वकील को पता है। जैसे अगर हमारा स्वभाव को हम जज करेंगे, मुझे मेरा उद्धार कैसा होगा, मेरा उद्धार कैसा होगा, मेरा ऐसे, कभी भी इम्पॉसिबल है, अब होपलेस लगेगा। हमारा साधन का जो स्टैंडर्ड है, हमारा कर्म जैसा है, हमारा स्वभाव जैसा है, हम सिंपली वो अंतरंग शक्ति का जो दूत है, भक्ति शक्ति का जो दूत है, शुद्ध भक्त है ना, उन आश्रय। इसलिए भक्ति में ठाकुर बोले शुद्ध भक्त चरण ऋण भजन, ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुकूल्य ना, देखो अनुकूल्य ना कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, लेकिन भक्ति में ठाकुर क्या बोल रहे हैं, वो अनुकूल कृष्ण भक्ति करने के लिए क्या चाहिए, शुद्ध भक्त चरण ऋणु भजन। अगर शुद्ध भक्त चरण रेणु नहीं है तो भजन प्रतिकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। अगर शुद्ध भक्त चरण को हम आश्रय नहीं किए तो क्या हो गया, भजन प्रतिकूल हो गया, वही हो रहा है, वही प्रतिकूल, हर समय ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स चैलेंजेस। तो कल हम सुनेंगे, तो भक्ति का जो तीन प्रकार के भक्त होते हैं, क्योंकि ये सब हमारे भजन के लिए आचार्य लोग का स्टेटमेंट है, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जीव गोस्वामी कौन सा लिखे हैं, तो इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे तो हमको भरोसा लगेगा। अब मत सोचिए कि हम हमारा ऐसा केवल होपलेस हो जाएंगे, नहीं, ये भरोसा लगता है, ये भक्ति है। भक्ति सिद्धांत सोशल ठाकुर प्रभुपाद जी मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, बंगाली थोड़ा पता है मुझे, मुझे तो बंगाली बहुत पसंद लगता है, बहुत बंगाली पढ़ता था, अभी भी पढ़ रहा हूँ। और भक्ति विनोद ठाकुर उन लिटरेचर सो बंगाली में है, बहुत पुराना पुराना ग्रंथ है, क्योंकि आजकल हमारे लिए कोई कमी नहीं, हम तो सेवा करके जी जाएंगे, तो आजकल प्रीचिंग के लिए इसको जरूरत होता है, तो उन्होंने वही बोला है जैसे हमारे गुरु जी कहा करते थे, जीवन में जितना भी शास्त्र पढ़ो, जितना भी सारी चीज, इसमें दो चीज सार, एक गुरु का सेवा, एक नाम का सेवा, बस। कहां भी रहो दो काम करना पड़ेगा भाई, ब्रज में रहने तो फिर कोई साधु का अनुगत्य में रहेगी कि नहीं, वही साधु का चरण कमल को पकड़ना पड़ेगा। गुरु का सेवा करना है, नाम का सेवा करना है। इसे सारी दुनिया में कौन सा सिद्धांत ये बोल रहा था, नाम के ऊपर, जिसे बड़े बड़े तत्व आलोचना करते हैं, बड़े बड़े स्वरूप सिद्धि प्राप्त करना है, ये भाव प्राप्त करना है, वो भाव प्राप्त करना है। भक्ति सिद्धांत सोशल ठाकुर प्रभुपाद जी वही बोलते थे, हरिनाम उच्चारण करना ये भक्ति है। और गुरु कृष्णदास बाबा जी महाराज को एक बार एक भक्त पूछ रहे थे क्या सिद्ध स्वरूप है, उन्होंने वही बोला कि हरिनाम उच्चारण करो, हरिनाम ही तुमको सिद्ध स्वरूप देंगे। देखो प्रोसेस है, बोनाफाइड प्रोसेस है, लेकिन वो जो लोग जो स्टेटमेंट दिए है ना, उनको रियलाइजेशन करे जीवन में उतारना मुश्किल हो रहा है। कोई बोलेगा हरिनाम करना भक्ति है, तो मैं बैठकर चैंटिंग करूंगा, ठीक है, आप चले आइए मेरा आश्रम में आइए, कहां भी, मैं आपको खाना पीना को दे दूंगा, कितना माला करना है कर लीजिए, कितना साल का बाद आप बोलेंगे मेरा भक्ति हो गया, आ जाइए। तो आप क्वेश्चन करेंगे ना, हरिनाम करना भक्ति, में तो हरिनाम कर रहा हूं, भक्ति क्यों नहीं हो रहा है? पहला वाला बात को याद रखना चाहिए, हम बहिरंगा शक्ति का वृत्ति में है और भक्ति अंतरंगा शक्ति का वृत्ति है। हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, ये गुरु जी हमको नाम उच्चारण करने के लिए बोले हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। अंतरंगा शक्ति जो दूत है, जो गुरु है ना, उनसे संबंध कैसा रहना चाहिए, कौन सा पॉइंट हमारा मिस हो रहा है, कैसे हम लॉयलिटी हमारा नहीं है, इसीलिए वो डिसेंड नहीं हो रहा है, अवतरित नहीं हो रहा है वो शक्ति। नाम दे रहे हैं कौन, नाम जो आ रहा है ना, चैत्र महाप्रभु भक्ति की परंपरा, जो भक्त को आदर काल में यही बात बोल रहा था, मैं पैसा आपको दूंगा 100 रुपीज 200 रुपीज, आप पैसा को प्यार करेंगे, मुझे प्यार नहीं करेंगे,
समझ रहे हैं ना, ये जैसा है धोखाबाजी काम है। हम ऐसे हैं, हम नाम प्राप्त कर लेते, हम सोचते मेरा मंत्र में मंत्र होता, मंत्र हमारा है, मंत्र साधु प्रसन्न, मंत्र मंत्रों को आचार्य लोक ने लाए हैं, साधु लोक लेना है। जब साधु का ऊपर प्रेम नहीं है तो मंत्र प्रसन्न नहीं होते। करो कोशिश करके आप देखो, ये तो मैं पढ़ाई करता, मैं बोल देता हूं, इतना ही है। अरे इसमें 100% 100 नहीं 200% मेरा प्रत्येक। जब साधु से तो आप प्रेम नहीं करते हैं ना, तो नाम नहीं होता है, नाम नहीं। हमारे गुरु जी यही कहा करते थे, अगर कोई बहुत चैंटिंग करता है, लाखों लाख नाम करता है, लेकिन गुरु जी का जो संसार है, गुरु गृह है, इसमें सेवा नहीं करता है, उनका जितना नाम है, इस भक्ति ठाकुर का स्टेटमेंट वो दोहराते थे, नामाक्षर है नहीं तो नाम अपराध है, गुरु का सेवा नहीं कर रहे। ये मन को क्या सांत्वना थोड़ा मिल जाता है, ये थोड़ा रिलैक्स, फाइटिंग होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, क्या करे, दी जाना है, ठीक है भाई। लेकिन भक्ति अलग चीज है, वही अंतरंग शक्ति का वृत्ति डिसेंड होना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, गुरु संसार में सेवा करना चाहिए, तब तो उतरता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, तदात्म का शक्ति होता है, वो डिसेंड हो जाता है, वो एनर्जी है ना। जैसे करेंट जब पांव में लगता है या अंगूठी में लगता है, क्या मस्तक में नहीं लगता है? वो आ गया ना, शक्ति डिसेंड हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी आ गया ना, एक पार्ट पर टच करता है तो पूरा बॉडी को झटका लगा देता है, वो एनर्जी भक्ति शक्ति ऐसे वो डिसेंड होती है ना, बस पूरा सब ट्रांसजेंडल हो जाता है। इस शरीर, ये मन, ये इंद्रियों, जितना आज इतना उठपटांग कर रहे हैं, जितना हमारा स्वभाव, हम सोचते हैं ना कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, प्रेम मुझे कैसे मिलेगा, नहीं, वो शक्ति डिसेंड हो जाती, एनर्जी आ गया ना, अभी तदात्मिका बोलते हैं, तद आत्मिका। जैसे लोहा है, वो लोहा बोलते हैं ना, वो मैग्नेट के पास रहता है, पहला दूसरा साल में मैं शायद बोला था, तो बार बार एग्जाम्पल आता है, तो वो पास में रहते 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 बस अभी हो गया, चुंबक हो गया, मैग्नेट हो गया, उनका शक्ति को, तद आत्मिका शक्ति उनका पास नहीं था, लेकिन उनका कैपेसिटी है उस शक्ति को पकड़ने के लिए। ऐसे गुरु जी आचार्य लोग, साधु लोग, जो परंपरा आचार्य लोग जो प्रिंसिपल दिए हैं, जो सेवा दी है ना, उसको टच में रहने, कंस्टेंट टच में रहने से अंतरंग शक्ति का प्रति आता है। जो नाम क्यों कर रहे हैं, गुरु जी बोले 16 राउंड जो नाम रूपा जी, उसका शायद कहां मैं पढ़ रहा था, भागवत कथा चल रहा था, मैं उधर पढ़ रहा था, रूपा जी बोले जो आचार्य का ऊपर आचार्य उनका पावर है, वो बोल रहे हैं 16 राउंड करो करो। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया है, 2-3 मिनट है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण बोलिए। आपको कैसा लगेगा, यही है ना, अंतरंग शक्ति में आ जाने से आपका सुख बसना आएगा, ये तो एग्जाम्पल है ना। और एग्जाम्पल हमारे गुरु जी कहा करते थे, इधर नहीं, कृष्ण का साथ फाइटिंग होगा, जज कौन है, कृष्ण जज, वो काउंटर करेगा, गुरु उनको काउंटर करेंगे, ये जीव को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो बोलेंगे क्यों मैं स्वीकार करूंगा, वो तो माया को पकड़े हैं, ये 102 नहीं, मैं उनको सेवा में लगाया हूँ, देखो आपका सेवा कर रहा है कि नहीं, उनका जो छोटा छोटा दोष है आपको छोड़ना पड़ेगा, फाइटिंग करेगा कौन, इसलिए हमारा टर्म है, एग्जाम्पल नहीं, बहुत बड़ा बड़ा टर्म है। आत्मसात कहाँ लगा है, योग्यता बीच है, शक्ति बुद्धि ही ना, आमी अति ही ना, करो मरे आत्मसात, मेरा योग्यता देखकर आप मुझे मत पकड़िए, अपनापन सोच लीजिए मैं आपका हूं, ये भाव अगर हो गए, वो वकील सोच लेता है ये मेरा कैंडिडेट है, तब वो फाइटिंग करता है, ये विन डिफीट, ये वकील का है अभी, समझ रहे ना, ये कैंडिडेट का नहीं है। वकील जब जो लायर होता है ना, वो जब उन केस फेल हो जाता है ना, उनका पास नहीं आता है, केस नहीं आता है,
इसलिए वकील फाइटिंग जो करता है ना जज का साथ, जो जजमेंट होता है ये वकील का बनने, इसलिए आत्मसात ऐसा है। हम जब शरणागत हो जाते हैं, कोई अंतरंग शक्ति वृत्ति जो आचार्य है उनका शरण में हो जाते हैं, वो अपनापन मान लेते, वो फाइटिंग करें कृष्ण का साथ, तो हमारे अगर हमको स्वीकार कर लेते हैं तो कृष्ण यही है, गुरु जी स्वीकार कर लेते हैं, कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। कृपा का स्वरूप यही होता है कि हमारा अंतर में भगवान के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज कथम विसृज्य तब भृत्य सेवा, भगवान नृसिंहदेव बोल रहे हैं ना प्रहलाद तुम चले आओ, ये संसार कितना विषम है, कितना दुख तुम पाए हो, मैं आज पिताजी को मार दिया, कल और कोई आएगा, तुम तो असुर समाज में हो ना, तुम मेरे पास आ जाओ। बोले नहीं, ये मैंने ये कृतज्ञ भाव अकृतज्ञ भाव मेरा हृदय में नहीं आना चाहिए, जो मैं जब उद्धार किए हैं ना नारद मुनि का सेवक, मैं कैसे छोड़ कर जाऊंगा, भगवान के सामने बोल दी, कृतज्ञता भाव आता है, ये अंतर में ये भाव उदित होता है। ये सब हम तो फिलोसफी बोलते हैं, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, हमारे गुरुदेव कहा करते थे ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है भक्ति, उदित होता है ना, श्रवणादि शुद्ध चित्त करई उदय, उदय शब्द लगा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवित ग्राह इंद्रिय, उसमें क्या लगा है, स्वयमेव स्मृति अधा, उदित होता है, ये अंतरंग शक्ति की सेवा करेंगे, गुरु का गुरु जी का अनुगत्य में रहेंगे, ये उदित होता है, ये डिसेंड होता है, और भाव स्तर पर कंप्लीट रिविलेशन होता है। जब हम भाव स्तर पर चले जाते हैं तब तो भक्ति का वृत्ति सब प्रकट होता है। अभी जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं ना सब रियलाइजेशन है, तब तो हमको धैर्य रखना पड़ेगा, फॉलो करना है। हरे कृष्ण, ठीक है बोल दीजिए। ये दोनों ही भक्ति है, भजन में जो भजन बजता है तो उसे सेवा भी होता है भजन भी होता है, लेकिन ये दोनों क्या बोले रेसिप्रोकेशन, क्या बोलते हैं, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपूरक बोलते हैं इसको, एक को छोड़कर दूसरा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, शास्त्र की उदाहरण नहीं देता हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ तो ऐसा करूंगा, आपका माला पकड़कर मैं माला ले जाऊंगा, आपका नाम जप करूंगा, और आप भूख में हो, आपके लिए कुछ भी नहीं करूंगा, समझ रहे हैं ना, ये दोनों करना है। इसको सिद्धांत कहाँ लाना है, ये तो मैं उदाहरण दे हूं, इस सिद्धांत लाना है भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए सिद्धांत, फोर्थ कैंटो ध्रुव महाराज के चरित्र में जाना, एवं कायन मनसा वचसा सु मनोगतम परिचर्यमाण भगवान, ये शब्द है, कौन सा श्लोक है उसको देखना है, आप देख लीजिए क्या बोले, एवं कायन मनसा, इस वर्ष को देख लीजिए, कौन सा वर्ष है, 4859, इसमें देख लीजिए प्रभुपाद जी क्या लिखे, विश्वनाथ चक्र, एक भक्त को कायिक वाचिक और मानसिक तीनों सेवा करना है, बैलेंस कैसा करना है वो अलग बात, आपके शरीर के हिसाब से समय के हिसाब से, लेकिन तीनों सेवा करना है हमको, कायिक करना है वाचिक करना है, तब तो मानसिक चिंतन ऑटोमेटिक आ जाएगा, कायिक वाचिक सुस्त होना चाहिए, दोनों करना है, ये प्रमाण इसमें है, एवं कायन मनसा 5 4 5 4, हाँ ये वर्ष, एवं कायन मनसा वचसा सु मनोगतम, नारद मुनि उपदेश दे रहे ध्रुव महाराज को, क्योंकि तीनों सेवा का उदाहरण उपदेश दिए, कायिक सेवा वाचिक सेवा मानसिक सेवा, क्योंकि ध्रुव महाराज बन जा रहे हैं ना, छोटा बच्चा है, उनके लिए भी सेवा बोले हैं ना, तुम जल लाना फूल लाना, सेवा करना है। गोस्वामी लोग प्रैक्टिकल उदाहरण देख लीजिए, उनसे कोई भजन बड़ा भजनानंदी, हमारे गोस्वामी से कोई बड़ा भजनानंदी है क्या, तिक्ता तुरणम मशीष मंडलपति सदा श्रेणी तुच्छवत, कौन है ऐसे भजन, ये ब्रज हम लोग का है, ये ब्रज में जो क्या बोले, इच्छा गोस्वामी जब ब्रजे कैलेन वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश, छठ गोस्वामी महाप्रभु वो लोग पर्सनैलिटी थे, सेवा कौन कर रहे थे वही लोग सेवा करते, सेवा भी चलना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय शुद्ध होता है, भगवान की करुणा मिलता है, ये भक्ति का ही अंग है, कायिक वाचिक और मानसिक दोनों करना है।
ये नेचर के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से कैसे करना है ये तो अलग बात है, लेकिन करना ही है, शरीर लगना चाहिए। बार बार इसमें लिखा है नारद मुनि ने, नारद मुनि बार बार बोल रहे हैं, और इसमें चट्टपद लिखे हैं, नहीं जल कलश लाना, जल में जो मटकी में जल लाना, फूल फूल लाना, इसको करना है ना। नहीं तो देख लीजिए श्री विग्रह आराधना नित्यनाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन आदि से क्यों लिखे हैं ये, तो आजकल तो टालने के लिए तो सिद्धांत को इधर उधर कर लेते, क्या कथा सुनना भी ये सेवा है? ठीक है, कथा सुनना सेवा है, नाम करना सेवा है, और सेवा करना ये सेवा नहीं है क्या? प्रसाद लेना सेवा है, कुकिंग करना सेवा नहीं है, मंदिर जाना सेवा है, और श्रृंगार करना सेवा नहीं है, ये मायावादी हो गए क्या आप लोग? ये कौन सा सिद्धांत सब ला रहे हैं? इस आलसी बनने का ये है, रूपा जी कभी हमको नहीं सिखाया, हमारे आचार्य लोग कभी नहीं सिखाए सब, ये आलसी बनने का उपाय है, ये सेवा नहीं। तू सेवा जाओ नहीं, मैं कथा सुन रहा हूं। ठीक है भाई, कथा सुनना सेवा है, तुम्हारे लिए कुकिंग कौन करेगा? राधारानी तुम्हारे लिए कुकिंग करेगी? ये आलसी बात है सब, सेवा करना है। आपका कितना कैपेसिटी है वो डिफरेंट, टाइम प्लस सर्कमस्टेंस में एडजस्ट होता है, लेकिन फिलोसफी के इधर उधर मत घुमाओ। कायिक सेवा करना है, वाचिक सेवा करना है, मानसिक सेवा करना है, बस। ठीक है ना, अभी टाइम हो गया। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा राधा माधव की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।